गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज शशांक राव। आज शुरू करते हैं डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। डेली न्यूज़ एंड अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो डेली न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज है डेट 20 मई और आज का टाइम है 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। आज आपको लेके चल क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट विल बी देयर, आपके लिए मोटिवेशन है। कुछ नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई विल कवर इज हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पोस्टर लेंगे। ये फर्स्ट पेज पे अपडेटेड था। पर्पज इज नॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, पर्पज ये है कि आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हर स्टेट अपना अपना प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करता है और बताता है। तो इस तरीके से आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको एक फेयर इनफ आइडिया होता रहेगा स्कीम्स के बारे में। उसके अलावा हम चलते हैं दूसरा पढ़ेंगे, पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपेट्रेटर एंड विक्टिम। पाकिस्तान जो है अपनी ज़मीन से आतंकवादियों को बनाता भी है और उन्हीं आतंकवादियों से वो परेशान भी है। इस बारे में मोहम्मद अयूब खान साहब बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। ही इज़ एन इमेरिटस प्रोफेसर और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स लिखते हैं। बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होता और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद से हम शुरू करेंगे कैलस रिस्पॉन्स। कैलस मतलब होता है कि घटिया रिस्पॉन्स आप समझ लीजिए, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स समझ लीजिए। ये माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर है और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया है उसके बारे में ये एक सार्कास्म है, एक स्टिंकर है, एक नेगेटिव रिमार्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कि जिस तरीके से उन्होंने माइग्रेंट के इशू को हैंडल किया है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे इंडिया US टू कोलैबोरेट ऑन वैक्सीन ट्रायल्स। वैक्सीन ट्रायल्स के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, क्या कोऑपरेशन किस तरीके का चल रहा है उनके बीच में। देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा केस आने वाला है। कल भी हमने एक राइटर के बारे में मिस्टर धवल के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। पेज 10 पे ट्रांसफर ऑफ प्रूफ टू CBI नॉट अ मैटर ऑफ रूटीन, सुप्रीम कोर्ट टू अर्णब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी मिमिक्री मुझे आती है। तो इसके बारे में फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट लेबर लॉ चेंजेस। सो लेबर लॉ जो चेंज किए गए हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन और माइग्रेंट मूवमेंट के बैकड्रॉप में जिस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन सारे आर्टिकल में। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट लेबर लॉ चेंजेस और सुप्रीम कोर्ट में ये प्लीज क्यों फॉलो किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। आगे चलते हैं, लॉकडाउन टू हेल्प इन साइक्लोन रिलीफ वर्क। इसमें हम बहुत ढेर सारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम सारी सिचुएशंस को देखेंगे और कैसे चीज़ें हैंडल की गई हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्फन रेन्स ऑन डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का क्या रोल है इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। देन वी विल अंडरस्टैंड हॉटर ओशन स्पॉन सुपर साइक्लोन्स, मतलब अगर क्लाइमेट चेंज के चलते ओशन वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस तरह के साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी इंडियन ओशन रीजन में। उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट रिफॉर्म और फीस फंड्स कट, ट्रंप टेल्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ेंगे हम। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ट्रंप सेज ही इज टेकिंग हाइड्रोक्लोरोक्वीन, राइट, हाइड्रोक्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है और ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, इसका नाम बहुत चला हुआ है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सजेशन है इस पे, ये हम कवर करेंगे। देन वील हैव अनदर वन बिहाइंड न्यू इंसिडेंट, अ चेंज डायनेमिक अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में। इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो झड़प हुई है पोगोंगसो लेक में, वहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वील हैव ऑन द ग्राउंड डायनेमिक के बारे में, ये चाइना से ही रिलेटेड है। देन वील हैव रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इंडियन इकोनॉमी में, और साथ ही साथ आप नोट बनाते रहेंगे यहाँ पे अ गुड ईयर फॉर ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में बताया गया है। ओलिव रिडले टर्टल हर बार रसिकुल्लिया रिवर आते हैं जो उड़ीसा के चिल्का लेक के पास पड़ेगा। आगे चलते हैं कुछ द हिंदी इंडियन एक्सप्रेस में, द पेन्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, पैंडेमिक इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग अस एन एजिलिक गांधीयन ऑर्डर। सो ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हैं जो इसका हिस्सा है, दो घंटे के इस सेशन का हिस्सा होते हैं। देन यू हैव चाइनीज ब्रिंग मोर पोर्ट्स टू लेक इन लद्दाख, इंडियंस अ रोड।
सो ये भी एक आर्टिकल लद्दाख और चाइना से ही रिलेटेड है. ह्यूमिलिटी ओवर हमरीज ऑन कोविड 19 सेंटर्स मिसकैलकुलेटेड इट बट इट मस्ट नाउ रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटजी अलाउ इकोनॉमी टू हेल्प. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से सेंटर ने जो ये आर्टिकल द हिंदू के आर्टिकल की तरह ही है सो ये डुप्लीकेसी हो जाएगा. सो आई विल कवर ओनली वन आर्टिकल दैट इज देयर इन द हिंदू. इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल ने भी इसी चीज़ को बोला है कि किस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स के प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने मिसहैंडल किया. अब जो हो गया सो हो गया, इसको फिर से रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है एंड दिस इज द वे योर सेशन विल गेट ओवर. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आज सेशन से. आपको प्लस कोर्सेज के बारे में बताना है जो लॉन्च हो रहे हैं. आई विल टेक हार्डली वन मिनट एंड आई विल बी बैक एज सून एज पॉसिबल. बस दो मिनट मुझे टाइम दीजिएगा. आई विल गेट बैक टू यू. Guys, I'm back. Let me say good morning to everyone who is here, who jo present hai is session mein. So let's start with Ravi Kumar. Good morning, Ravi Kumar, Parmar Pooja, Anshu Joshi. Thank you so much for being here. Poonam Soren, अच्छा लग रहा है आपको, regular आ रही हैं. Alok Kumar Dubey, very good morning. Aman Mishra, Khushbu Yadav, Preeti Parmar, Zainab Khan, Roshni Khan, Neelam Kamalwanshi, Varsha Kumari, Hazra Bano. एंड नवशीन मलिक, थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर. आज चलते हैं, सेशन शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सो पहले हम क्या करेंगे, उन मुद्दों को कवर करेंगे जो कि किसी न किसी तरीके से आपके यू नो जीएस से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं और जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आप सब जानते हैं, कुछ नए लोग होंगे जान जाएंगे. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, टेसल सर्टिफाइड ट्रेनर, वर्कड एज अ कम्युनिकेशन कोच, मोटिवेशन स्पीकर, लव कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड काइंडली रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माई कोर्सेज. Now this quote is for you. Success is built upon frustration and failure. So अगर कभी आपका दिल बैठने लगे, अगर आपको कभी लगने लगे that this is not for you, ये examination बहुत tough है, मैं नहीं कर पाऊंगी, please do not hesitate. दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी कहानियाँ बनी हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनमें से ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिसने फ्रस्ट्रेशन का दौर न जिया हो. आप बच्चन की बात कर लीजिए, अंबानी की बात कर लीजिए, किसी की का भी मुझे बस नाम सजेस्ट कर दीजिए जो ये बता दे कि उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और फेलियर नहीं रहा सक्सेसफुल होने से पहले. सक्सेस इज द बाई प्रोडक्ट, सक्सेस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हम देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे बहुत ढेर सारे फेलियर्स होते हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पीछे के फेलियर्स को छुपा लेता है. सो सक्सेस इज बिल्ट अपॉन फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर. सो अगर आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर है, तो प्लीज़ रुक जाइएगा, आपकी बुनियाद पड़ रही है. यू आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और ये आर्टिकल है मिस्टर डैन लॉक का, जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं एंड ही इज़ आउटस्टैंडिंग स्पीकर. राइट, आगे चलते हैं. उसके अलावा 3 एनर्जेटिक बैचेज जो हैं फॉर फुल 1 ईयर प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं 18 मई से UPSC 2020 और 21 के लिए. सो अनअकैडमी लेट्स क्रैक इनिशिएटिव के अंतर्गत में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अनअकैडमी हैज स्टार्टेड थिंकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो 3 एनर्जेटिक बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 18 मई से UPSC CSE 2020-21 के लिए. मिशन UPSC CSE 2021 बाइलिंगुअल GS बैच है.
मतलब इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, 18 मई से शुरुआत हो सकता है, हो चुका है, फुल सिलेबस कवरेज है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज एनालिसिस है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रेपरेशन है, सो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है, प्रारंभ 18 मई 2020, पूर्ण सिलेबस कवरेज है, ये कम्प्लीटली हिंदी के लिए है, तो आप चाहे तो बाइलिंगुअल ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो कंप्लीट हिंदी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीडिशन यूपीएससी 2021 इंग्लिश जीएच बैच कोर्स है, 18 मई से शुरू हो रहा है, फुल सिलेबस कवरेज है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है और इंटरव्यू, तो एक आपके पास कंप्लीट इंग्लिश बाइलिंगुअल है, एक कंप्लीट हिंदी है, कंप्लीट इंग्लिश है, तो आपके बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। नौशीन मलिक, आई गेट बैक टू यू, मैं आपको बताऊंगा। सो आपके पास, हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर कैसे, हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ये आपका गाइडेंस है, ये इन्फॉर्मेशन है, 18 को शुरू हुआ है एंड सिंस ऑल दीज सेशंस आर रिकॉर्डेड, यू नो यू कैन गेट बैक टू देम एंड एनी वेज आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग। अनअकैडमी एक फैमिली की तरह है, आपके पास प्लस कोर्सेज को लेने का बेनिफिट ये है कि कंप्लीट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कंप्लीट जीएस का कवरेज है, उसके अलावा आपका ढेर सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी पे डेली न्यूज एंड एनालिसिस में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू कवर करता रहूंगा। अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल है जहाँ फिर यूट्यूब वीडियोज के थ्रू आएंगे और आज मेरा नया वीडियो लॉन्च हो रहा है। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में मैं आता हूँ, प्लस कोर्सेज में कल मेरा हो सकता है ट्रांजिशन हो जाए, सो इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट पैकेज। और आज कोरोना लॉकडाउन के टाइम में आप इस बात को नहीं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि फिजिकल क्लासेस जो है वो ट्रेंड बदल चुका है, राइट? ये ट्रेंड बदलने जा रहा है फिजिकल क्लासेस का, एंड द न्यू रियलिटी इज डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन में कोई फर्क न पड़े, चाहे कोरोना लॉकडाउन का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जो भी स्टेज चल रहा हो, सो प्लीज गो अहेड, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ प्लस एजुकेटर में 30 आवर्स ऑफ लाइव सेशन एवरी डे है, चल रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, 112 से भी ज़्यादा आपके एजुकेटर्स हैं, न्यू कोर्स पब्लिश्ड एवरी मंथ, हर महीने नए कोर्सेज हो रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आप वन मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 8000 पर मंथ, ये बहुत महंगा पड़ेगा, जितना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का आप कोर्स लेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। इनफैक्ट 12 महीने के कोर्सेज का भी 3333 रुपीज पर मंथ है, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 24 मंथ्स, यू नो 24 मंथ्स ऑफ पैकेज, जो कि आपको 48,000 में ही पड़ेगा, एंड दैट विल बी यू नो ईजियर फॉर यू। कन्फर्म डिटेल्स के लिए यूपीएससी यूपीएससी वाईटी 10% एक्स्ट्रा ऑफ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना, आपके एजुकेटर का यूजर रेफरल कोड है ही आपके पास, ओके? सो ये तरीके हैं, इस तरीके से आप जा सकते हैं आगे। यहाँ देखिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिएगा, और ये आपका हो गया अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप, 29 मार्च, 12 अप्रैल, 26 अप्रैल, 10 मई, 24 मई, ये जो है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020। राकेश वर्मा सर हैं जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मृणाल सर वेटरन हैं, आतिश माथुर भी बहुत वेटरन, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। सो इनरोल नाउ फॉर फ्री, तो आप इन सारे टेस्ट के लिए ज़रूर फ्री अपीयर होइएगा, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू, राइट? सो एक पूरा ताना बाना बुना गया है कि आपको जिस तरीके की ज़रूरत है अनअकैडमी प्रिपरेशन के लिए, दैट फैसिलिटीज अवेलेबल। सो आगे आप चल के अनअकैडमी में यूज़र रेफरल शशांक के साथ यूज़ कर सकते हैं, शशांक के साथ जो 10% आपको डिस्काउंट अवेल कराएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से अदर मैटर्स है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। बट गाइज डू नॉट वेट एनी मोर, एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कीजिए, एक पूरे कोर्स में 1 ईयर एनुअली आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें 112 से अधिक एजुकेटर्स हैं, एंड दे विल सपोर्ट यू, हर महीने नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। आई विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ दोज प्लस कोर्सेज, और स्पेशल क्लासेस के लिए मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ। यू नो मॉर्निंग में 9 to 11 हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन करने के लिए मिलते ही हैं, अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल में आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ, तो इसके लिए प्लीज़ इनरोल कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। शशांक के सार इज माई यूजर रेफरल कोड, और इसको यूज़ करना मत भूलिएगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, शशांक SR। ये आपके एजुकेटर का इवैल्यूएशन सब्सक्रिप्शन के मीडियम से होता है कि आपका एजुकेटर कितना इन्फ्लुएंशियल है, और मुझे पता है कि आप अपने एजुकेटर को मिस नहीं करेंगे। आगे स्टॉप विशफुल थिंकिंग, लेट्स गो गेट इनटू एक्शन। सो पहले हम आपको ये आर्ट बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी किसान योजना, यहाँ पे वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि इस स्कीम के फीचर क्या हैं। हम इस बात को, ये मैंने ये इसलिए लिया हुआ आपको कि
आप न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं, देश को बताना चाहते हैं। एक नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में इसके आने का ये मतलब है बिकॉज दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो कि इस स्टेट की गवर्नमेंट ने कितना काम किया है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, एक डेमोक्रेसी में। सो राजीव गांधी की ऐसे रिलेटेड स्कीम है, इसका मत इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो स्टेट्स इस सरकार, ये जो सरकार है वो राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। खैर हमें उससे लेना देना नहीं है, सिंपली आदत डाल लीजिए जो भी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में होते हैं चीफ मिनिस्टर्स पब्लिश करते हैं, अरविंद केजरीवाल हमेशा आते रहते हैं, यू नो कैप्टन अमरिंदर सिंह आते रहते हैं, बहुत से मिनिस्टर्स आते रहते हैं, तो उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा जरिया है चीज़ों को समझने के लिए। आगे चलते हैं, हम आपको इसको बायकॉट करके सबसे पहले हम चलेंगे साइक्लोन्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ओके पूजा दुरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नवशीन मलिक, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आई ऑफ अम्फन विल पास थ्रू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कोलकाता टुडे, हैवी विंड्स एक्सपेक्टेड टू लैश सिटी। अब आज आर्टिकल के बारे में पढ़ते, ये है लुक एट द पिक्चर। काकीनाड़ा रोलर कोस्टर, मोटोरिस्ट नेगोशिएटिंग अ रोड दैट वॉज डैमेज्ड फॉलोइंग हैवी विंड्स इन उपाडा नियर काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश। Fishing boats anchored at the harbor of Paradip in Odisha and high waves lashing the Vishakhapatnam. ये नज़ारा है आपके आंध्र प्रदेश काकीनाड़ा पोर्ट के पास का, जिसमें साइक्लोन ने, तेज हवाओं ने ये हालत कर दी है, और वो भी अभी कंप्लीट तरीके से, ये तो बस शुरुआत है। डिजास्टर इज येट टू कम, दिस इज जस्ट द ट्रेलर माई फ्रेंड। आप अभी और भी हादसा होना बाकी, भगवान न करे कुछ जान माल की क्षति हो, बट अगेन दिस इज द ब्रूट रियालिटी। ये देखिए सारे नाव किस तरीके से आके सिमट के खड़े हो गए हैं, दैट इज द टेरर ऑफ साइक्लोन। आगे चलते हैं, दिस इज लुक एट दिस पिक्चर। कभी भी भूल से भी इनके आसपास मत आइएगा। यू मे बी स्ट्रॉन्ग मैन बट यू आर नॉट बिगर देन द यूनिवर्सल फोर्सेज, नॉट बिगर देन द नेचुरल फोर्सेज। आगे चलते हैं, लॉकडाउन टू हेल्प इन साइक्लोन रिलीफ वर्क। आई ऑफ अम्फन विल पास थ्रू ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलकाता टूडे, हैवी विंड्स एक्सपेक्टेड टू लैश टूडे। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा सा वर्क करें, और वो वर्क कैसे करेंगे आप, आप मुझे जल्दी से गुजरात कोस्ट से आप पूरा शुरू कीजिए, और गुजरात से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक आ जाइए वेस्ट बंगाल तक। आप मुझे इस सीक्वेंस में आप मुझे देने जा रहे हैं जितने भी स्टेट्स लोकेटेड है वो। यू आर गोइंग टू राइट मी ऑल द स्टेट गुजरात से वेस्ट बंगाल की तरफ आने वाले स्टेट्स को सीक्वेंस में एक बार लिखिए। इसका पर्पज़ यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया कितने रिस्क के कगार से चल रहा है। इंडिया के जितने भी पेनिनसुलर स्टेट हैं वो बहुत ही, दे आर वल्नरेबल फॉर दिस काइंड ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को प्रिपेयर करें। उसके अलावा बहुत से एडिशनल टॉपिक हैं जो मैं बताऊंगा, सो जल्दी से मेंशन कीजिए गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनको सीक्वेंस में लिखना शुरू कीजिए। गाइज आई एम वेटिंग फॉर यू। लॉकडाउन टू हेल्प इन साइक्लोन रिलीफ वर्क, आई ऑफ अम्फन विल पास थ्रू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कोलकाता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खतरा है, दैट रिस्क इज एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर इंडिया, द कोस्टल स्टेट्स, दे आर मच मोर वल्नरेबल। जल्दी से मेंशन कर दीजिए। इन द मीनवाइल मैं आपको एक और पेज ऐड कर लूंगा इसमें। सो द आंसर इज परमार पूजा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तेलंगाना इज अ कोस्टल स्टेट और लैंड लॉक स्टेट।
सो आंसर है परमार पूजा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। परफेक्ट परमार पूजा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। देन नीलम कमलवंशी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। परफेक्ट, आपने गोवा मिस कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। सुभेक्षा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजन, रजनी पवार, गुजरात, महाराष्ट्र, गाओ नहीं गोवा है पवार जी। श्रद्धा गुप्ता, ओके ओके। आलोक कुमार हजरा बानो, इज देयर समवन, कोई इसमें है ऐसा जो मुझे बता सकता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाए। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ज्ञापित किया है, आपको एक विज्ञापन दिया है। नो, तेलंगाना इज लैंड लॉक्ड। रजनी पवार, यस एब्सोल्युटली, तेलंगाना इज लैंड लॉक्ड, छत्तीसगढ़ इज लैंड लॉक्ड, ओके। और गुजरात इज 1600 किलोमीटर पर मार पूजा, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज एक एवरेज कैंडिडेट व्हाट विल ही डू, ही विल सिंपली रीड द आर्टिकल, ही विल सिंपली रीड द साइक्लोन्स, बट ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडिया के पेनिनसुलर स्टेट जो है उनको क्या रिस्क है और क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आज के बाद से जब आप पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, आपके पास एक नया पर्सपेक्टिव होगा। आप जब क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, आप जब सी लेवल राइज की बात करेंगे, आप जब एडवर्स वेदर कंडीशन की बात करेंगे, एल नीनो लानिना की बात करेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में बात करेंगे, देन यू विल कीप दिस इन माइंड कि आपका कोस्टल एरिया कितना वल्नरेबल है और कोस्टल एरियाज में कितने स्टेट्स हैं। और आप सोच सकते हैं कि हर बार एक स्टेट जब इस तरीके के साइक्लोनिक डिजास्टर से होकर गुजरता है उसको कम से कम 10 साल लग जाते हैं उन चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। एंड ओडिशा कोस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ये दो स्टेट्स जो है कोस्टल स्टेट्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं डिजास्टर के लिए। अब इन डिजास्टर के अलावा अब आप क्या सोचेंगे, हम वेस्ट बंगाल में भी ये साइक्लोन देखने जा रहे हैं, ओडिशा में भी देखने जा रहे हैं, इन साइक्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए वो कौन सा नेचुरल स्पीशीज है, नेचुरल प्लांट है जो इस साइक्लोन के स्टॉर्म की स्पीड को कम कर सकता है, ज़मीन के कटाव को बचा सकता है और डैमेज को कम करने का काम कर सकता है। विच इज़ दैट यू नो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, विच इज़ दैट फॉरेस्ट यू नो ट्री स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज और श्रब कह सकते हैं आप उसको, जो कि साइक्लोन के स्टॉर्म को, साइक्लोन की स्पीड को कम कर सकता है। Which is the plant species? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। और मैंने इसके बारे में आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ाया है और आज वो चैप्टर आपको रिकॉल करना जरूरी है। Ask people in the city not to venture. Government advisory, government ने एडवाइजरी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी इशू किया है। Ask people in the city not to venture out and keep shops and other institution closed when the super cyclone Amphan makes landfall on the West Bengal coast on Wednesday. From Wednesday morning, wind speed in Kolkata will be 75 km per hour to 85 km per hour. When cyclone makes landfall, the wind speed will increase from 110 to 120 km per hour and there should not be any movement of people in the city. So, regional internet, you know, mangrove forest, absolutely, absolutely. You all are good girls, good boys. Manjeet Yadav, Rajni Pawar, Manjeet Yadav, Parmar Pooja, Hajra Bano. Dekhe, guys. सर वाई मोस्टली साइक्लोन कम्स इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट। नेहा मिश्रा, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर वाई मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स डू कम इन द इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है, तो इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। नेहा मिश्रा, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू नो ऑफ योर क्वेश्चंस। नेहा मदेशिया और नेहा मिश्रा हमारे बैच में कुछ दो बच्चे आए हैं जिन्होंने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है और बड़ा अच्छा लगता है। आप इनके क्वेश्चन को देखिएगा, सर्वाइव मोस्टली साइक्लोन कम इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट। सो थैंक यू सो मच उत्तम सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आलोक कुमार दुबे, मैनग्रोव फॉरेस्ट। गाइज, आपको यहाँ पे मैनग्रोव को इसलिए रिकॉल कराया कि जनरली हम डिटैच करके पढ़ते हैं, हम साइक्लोन के बारे में पढ़ लेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, कितना डैमेज हुआ ये पढ़ लेंगे, लेकिन हम मैनग्रोव वाले चैप्टर को इसे ऐड करके भूल जाएंगे। हम मैनग्रोव अलग पढ़ते हैं और उसको अलग पढ़ते हैं। ओशन सैलिनिटी, ओशन वाटर टेम्परेचर का साइक्लोन से क्या लेना देना है, उस कनेक्टिविटी के बारे में हम नहीं पढ़ते। हम ये नहीं पढ़ पाते कि हमारे
कोस्टल एरिया पेनिनसुलर इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो इन सारे डिजास्टर के लिए, साइक्लोनिक डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल हैं। हम ये नहीं पढ़ पाते कि जब ओशन टेम्परेचर राइज होगा तो उसका साउथ वेस्ट मानसून पे क्या असर पड़ेगा, क्या जो ओशन वाटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका साइक्लोन से कुछ लेना देना है। वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, आपको चीज़ें इंटीग्रेट करके पढ़नी होंगी, एक नेट बनाना होगा। अगर ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं होंगे देन यू विल फॉल अपार्ट, क्योंकि यूपीएससी विल नॉट आस्क कि जब ओडिशा कोस्ट पे और वेस्ट बंगाल कोस्ट पे साइक्लोन आम्फन आया था तो वहाँ पे विंड का स्पीड कितना तेज था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस टाइम पे लैंडफॉल किया साइक्लोन ने, कितने पेड़ उखाड़े, कितने पत्तियाँ तोड़ी, कितने शेर भाग गए जंगलों में, ये सब नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कितने राइनोज मारे गए, कितने मैनग्रोव की झाड़ियाँ जो है उखड़ के बाहर चली गई। नो, यूपीएससी इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। यूपीएससी विल नो, वॉन्ट टू नो अबाउट इंटीग्रेटेड नॉलेज। यूपीएससी वॉन्ट्स टू नो अप्लाइड नॉलेज। सो जूही बर्तारिया कहते हैं देर इज मोर प्रेशर इन दीज एरियाज एंड टेम्परेचर इज मॉडरेट 28 डिग्री सेल्सियस अप्रोप्रिएट फॉर साइक्लोन टू कम। एब्सोल्युटली जूही बर्तारिया, बट इससे नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट जूही। अरिवन सी इज मोर कोल्डर एंड प्रेशर इज लेस, एग्जैक्टली। और ये क्वेश्चन जो है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंडियन ओशन रीजन और आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। इंडियन रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू किया है, लोग अपने घरों से बाहर मत जाएं। रात को खाना खाने के बाद अगर आपकी आइसक्रीम खाने की आदत हो और टहलने की आदत हो तो प्लीज़ घरों में बने रहे, वरना ये हवा कहाँ उड़ा के आपको लेके जाएगा, यू नेवर नो एंड यू माइट लूज योर लाइफ एज वेल। Damage to, due to the super cyclone could be minimized as there are no fishermen in the sea due to spread of COVID-19. The beach resort of Digha, Madarmani and Bakkali have no tourists because of lockdown, and COVID outbreak is expected to be an advantage in disguise a South Kolkata resident as people are mostly locked at home. So is tarike se jo ye damage hone wala hai usko bahut had tak control kiya ja sakta hai because already COVID-19 pandemic ke chalte bahut se log apne gharon mein baithe hue hain jo ki ek blessing in disguise hai, otherwise security forces ko, law and order enforcement agencies ko bahut mashakkat karni padti. द विंड स्पीड जो है 165 to 175 किलोमीटर पर आवर हो सकता है जब साइक्लोन लैंडफॉल, मतलब साइक्लोन चलते चलते वो लैंड को हिट करेगा, जैसे एक प्लेन जो है जब एक टारमैक पे उतरता है, एयरपोर्ट पे उतरता है, आपने देखा होगा कैसे वो हिट करता है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए वो डिस्टेबलाइज होता है। द सेम थिंग हैपन्स जब एक विंड स्पीड साइक्लोन जो है लैंडफॉल करता है, ज़मीन पे उतरता है और उसके बाद से असली तबाही शुरू होती है। सो ये लैंडफॉल दीघा इन वेस्ट बंगाल और हथिया इन बांग्लादेश दोनों जगह के बीच हो सकता है। ऑफिशियल सेड दैट इंपैक्ट ऑफ सुपर साइक्लोन इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ साइक्लोन आलिया। मत पढ़ लीजिएगा बुलबुल, ये आलिया मुझे पता है, आलिया आपको बार बार याद आता होगा, बट ये साइक्लोन आइला है 2019 और बुलबुल 2019, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने के चांसेस हैं। एंड द आई ऑफ द स्टॉर्म, आपने देखा होगा ये छोटी सी आई है, आपने वर्लपूल देखा होगा, इसके बीच में एक सेंटर ऑफ एंटायर स्टॉर्म होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आई ऑफ द सेंटर बहुत शांत होता है जबकि इसके आसपास सारे तरफ बवंडर होता है। सो वी विल हैव अ कंप्लीट ज्योग्राफिकल सेशन ऑन इट और पूरा का पूरा ए टू जेड टॉपिक कवर किया जाएगा। बट हैव अ लुक एट इट, मैं ये चाहता हूँ यू टच द वॉटर। जो हमारे नए बच्चे हैं वो समझे, उनके कान में ये बात जानी चाहिए, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होते हैं, आई ऑफ स्टॉर्म क्या होता है, अरेबियन सी क्या है, उसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है साइक्लोन का। Eye of the storm will pass through the east and southeast Kolkata and city along with the adjoining district will experience highest wind speed along the heavy rainfall. So the eye of the cyclone yahan pe bahut zyada bowender, wahan se bahut zyada disturbance nahi hota, but iske aas paas ye jo hai that is the area jahan sabse zyada devastation hoga. So ये साउथ ईस्ट कोलकाता से, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कोलकाता से होके गुजरने के चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज होने की उम्मीद है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इस समय कोरोना पैंडेमिक में बहुत से लोग अपने घरों के अंदर हैं एंड उसके बाद से जो दूसरा रिस्क आएगा वो उन लोगों के ऊपर आएगा जिनके झुग्गी झोपड़ियों के मकान हैं। Now, Kolkata Municipal Corporation started evacuating people from old dilapidated houses in the city. जो भी पुराने घर हैं, झुकी झोपड़ियाँ हैं, ट्रैम्पोलिन से बने हुए हैं, पॉलीथिन डाल के घर बनाए हैं लोगों ने अपने गुजारे के लिए, उन सब जगहों से लोगों को निकालने की ज़रूरत है बिकॉज दे आर वल्नरेबल। 165 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, इवन द कॉन्क्रीट से बनी हुई बिल्डिंग झेल नहीं सकती हैं। स्टॉर्म सर्च की बात करें, other than heavy rainfall accompanied by storm winds, the super cyclone is likely to cause a storm surge of 4 to 5 meters in low lying areas of south and north 24 Parganas.
तो हैवी रेनफॉल साइक्लोन के साथ साथ 4 से 5 मीटर ऊंची जो है वो स्टॉर्म सर्च होगा, मतलब पानी, समुद्र का पानी इतना ऊंचा उठ लहरें उठेंगी और वो आपके पूर्वी मेदिनीपुरी एरिया को इम्पैक्ट कर सकता है। Officials of Regional Meteorological Department said the storm surge is likely to cause heavy flooding. So storm cyclone अकेले नहीं आ रहा है, इसके साथ flooding है, devastation है और evacuation बहुत important है। और सबसे अच्छी बात क्या है, clampdown जो कोरोना वायरस के चलते लगा है उसके चलते चीज़ों को हैंडल करने में बहुत आसानी हो रही है। लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, उन लोगों को इवैकुएट करने की ज़रूरत पड़ी जिनको, जो अपने पुराने घरों में रह रहे हैं, जिनके तारपोलिन के घर हैं, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में बसेरा किया हुआ है, उनके घरों को बचाने की, उनके घरों को बचाने की नहीं, उन लोगों को बचाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पवन नंबर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेट पॉइंट्स, द वेट पॉइंट्स इज द ईस्ट कोस्ट, नाउ आउट नंबर द वेट पॉइंट्स ओवर द वेस्टर्न कोस्ट। ओके फाइन, थैंक यू सो मच पवन नंदर, बिकॉज ऑफ लार्ज ओशन एरिया इन बे ऑफ बंगाल विच इज फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। एग्जैक्टली रजनी पवार, बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कीप इन माइंड कि आपके आंसर जो है इसको डायल्यूट करके थोड़ा भेजिए। पवन इनामदार, जो आपका आंसर है दैट इज़ प्योर ज्योग्राफिकल लिटरेचर है वो, और हमारे ग्रुप में नए बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए, ये आपकी आर्टी, ये आपकी कैपेबिलिटी है इसको डाइल्यूट करके समझाने की ताकि बच्चे अच्छे समझ सकें। आगे चलते हैं, आम्फन रेन्स ऑन डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है ये आपके पास ये है, मतलब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की गई है, बट अगेन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो एक जैम पैक्ड एरिया में, या तो फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है, देर आर एरियाज जहाँ की जैम पैक्ड छोटे से कमरे में बहुत लोग रहने के लिए बाध्य हैं, सो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है और लोग बहुत परेशानी में, तो ये जस्ट एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसमें क्रिटिकल ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में आपको बताना था, इनके बारे में, क्योंकि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस में, नेशनल डिजास्टर पैरामिलिट्री फोर्सेस में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, इनका रोल बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का, यू नो, क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जा रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो है रोल बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आगे क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप ये देखेंगे कि NDRF के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो रोल है उसके अकॉर्डिंग हम SDG का कौन सा गोल ऐड कर सकते हैं, SDG में कौन सा गोल ऐड कर सकते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को देखते हुए। राइट, आगे चलते हैं। राइट, NDRF, 41 NDRF teams deployed in West Bengal, Odisha, we are prepared, says Director General. So National Disaster Response Force जो है वो तैयार है हर मौके से निपटने के लिए, Director General ने अपना statement दिया है। 15 NDRF teams were deployed and 5 in reserve in 7 districts of Odisha, while 19 teams actively deployed. तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, right? इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि critical details हैं, it's a kind of a story. आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, हॉटर ओशियंस स्पॉन सुपर साइक्लोन्स, रिकॉर्ड टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल हैव सेट द स्टेज फॉर स्टॉर्म सिस्टम्स। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको जॉब करूं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा आपको फंसाऊं, थोड़ा सा उलझाऊं ताकि आपके सोचने का तरीका बदले। अब मैं आपको ये पहले आर्टिकल पढ़ के बताता हूं, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमारे पास एक एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारा पिटारा होगा। आगे चलते हैं, हॉटर ओशन स्पॉन सुपर साइक्लोन्स, रिकॉर्ड टेम्परेचर्स इन बे ऑफ बंगाल हैव सेट द स्टेज फॉर स्टॉर्म सिस्टम्स, रिकॉर्ड टेम्परेचर्स इन द बे ऑफ बंगाल हैव सेट द स्टेज फॉर स्टॉर्म सिस्टम्स। कहने का मतलब ये है कि नाउ ग्लोबल सी लेवल राइजिंग जो है क्लाइमेट चेंज है और ओशियन सर्फेस टेम्परेचर, ओशियन सर्फेस टेम्परेचर। गाइज मुझे एक बात बताइए, अगर हम हॉट वाटर ओशियन के गर्म होने के, ओशियन का जो वाटर है अगर उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। अगर हम ओशियन की बात कर रहे हैं, ओशियन में वाटर लेवल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इसके अलावा इस टॉपिक में और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। SDG 13 and 15, प्रीति परमार 11 एंड 13। अब मुझे जल्दी से बताइए, जब हम ओशियन लेवल में ओशियन वाटर का टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें समझनी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें जाननी होंगी। विल दैट बी द एसिडिफिकेशन,
विल दैट बी, क्या हमें एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ना होगा, क्या एरोसोल्स का रोल है, क्या पार्टिकुलेट मैटर का रोल है इस सी लेवल टेम्परेचर के पीछे, क्या पार्टिकुलेट मैटर्स, क्या ब्लैक कार्बन का रोल है इसके पीछे, उसके अलावा क्लाउड सीडिंग को इसमें ऐड कर सकते हैं हम, अपार्ट फ्रॉम दैट एल नीनो ला नीना के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्या यू नो हॉट करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स के को इसमें ऐड किया जा सकता है. सो गिव मी अ कंसोलिडेटेड आंसर कि इस टॉपिक में आप एडिशनल कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. आप एल नीनो ला नीना पढ़ेंगे, एनसो पढ़ेंगे, आप सैलिनिटी इंक्रीज पढ़ेंगे, आप कोल्ड करंट एंड हॉट करंट के बारे में पढ़ेंगे, आप एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, आप स्टबल सॉरी आप ब्लैक कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, आप एरोसोल के बारे में पढ़ेंगे, आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या लेंगे. क्लाइमेट एक्शन, एयर प्रेशर, नेचुरल कॉजेज. नो मंजीत यादव, नेचुरल कॉजेज नहीं होंगे, नेचुरल कॉजेज नहीं. मैं बताता हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है. एंड व्हाई हैव आई टेकन, गिव मी अ कंबाइंड आंसर, मींस गिव मी अ कंसोलिडेटेड आंसर. जूही बर्तारिया, मुझे एक कंसोलिडेटेड आंसर दीजिए. नेहा मिश्रा, एक कंसोलिडेटेड आंसर दीजिए. मैं आपको ये बताना, कोरल रीफ्स, क्लाइमेट, मॉनसून, ग्रीन हाउस गैसेस. हजरा बानो, टू सम एक्सटेंट इट इज राइट. चलिए हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे हॉटर ओशियंस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ओशियन वाटर टेम्परेचर, ओशियन वाटर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एल नीनो के बारे में पढ़ेंगे, ला नीना के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड एंड हॉट करंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एरोसोल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से हम पढ़ेंगे ब्लैक कार्बन, मैंने पढ़ाया हुआ है ब्लैक कार्बन पढ़ेंगे, हम एल्बेडो पढ़ सकते हैं, एल्बेडो पढ़ सकते हैं. ज़ैनब खान, स्ट्रेटोस्फीयर, क्लाउड सीडिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एल नीनो ला नीना, जियोलॉजिकल एरोसोल इंजीनियरिंग, सोलर रेडिएशन, पायरोक्लास्ट, अल्बेडो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीएफएस, एचएफसी, किगाली अग्रीमेंट. हैट्स ऑफ टू यू ज़ैनब खान, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है. नेहा मिश्रा लिखती हैं, मरीन इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, लिटोरल जोन, नॉक्टिक जोन, एल नीनो, ओसीआई, करंट, टेम्परेचर, सरफेस. प्रीति परमार लिखते हैं, क्लाइमेट चेंज, कोरल रीफ, वाटर टेम्परेचर, एल नीनो, ला नीना, हॉट कोल्ड करंट्स, ग्रीन हाउस गैस एंड स्टबल बर्निंग. ज़ैनब खान, रोशनी खान और प्रीति परमार, हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड में तीन खान्स हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, हमारे ग्रुप में तीन खान हैं, ज़ैनब खान, रोशनी खान, हजरा बानो. तीनों की तीनों ये बॉलीवुड के बादशाह की तरह हैं और तीनों का दबदबा अपना कायम रहता है. नेहा मदेशिया, एल नीनो, ला नीना, मरीन लाइफ, क्लाइमेट चेंज, टाइबक प्लेटू को हटा दीजिए, टेम्परेचर इन्वर्जन, कोल्ड हॉट करंट एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. नेहा मदेशिया बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आंसर. ज़ैनब खान ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कुछ बोलने के लिए. शिनी रियो हैज कम अप नाउ, द स्टार ऑफ दिस ग्रुप. ओके, नए बच्चे लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग प्लीज परेशान मत होइएगा, आप बस इसको कहानी की तरह सुनिए और इसमें से अगर 10% भी रिटेन कर लिया आपने तो सब कुछ आपका है, आपने जग जीत लिया. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप चलते हैं इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, आपने कोरिलेशन किया हुआ है, सारे टॉपिक्स मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पढ़ा दिया है. आई जस्ट वॉन्टेड यू टू रिमेंबर दिस टॉपिक. ठीक है, हॉट ओशन स्पॉन्ज, ये हमारा बॉय बोलते हैं, इसको बॉय नहीं बी यू ओ वाई बोलते हैं, ये हर जगह समुद्र में होते हैं. इनका मेन काम क्या होता है, सी लेवल का जो वाटर टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर को ये मेजर करते रहते हैं. आपने सोचा ऐसा थोड़ी है कि कोई साइंटिस्ट जाता है और समुद्र के पानी वो थर्मामीटर डालता है और बताता है ओ जी इतना टेम्परेचर हो रहा है. ओशियन वाटर का जो मेजरमेंट है वो डन, वो इस तरीके के हर जगह सेटअप लगे होते हैं और ये तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं और इनके नीचे एक एंकर होता है जो इनको बह के कहीं जाने नहीं देता. पता चले यहाँ से बहते बहते ये बांग्लादेश पहुँच जाए, इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसमिट नहीं होगा. यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए ताकि इनको एनर्जी मिलती रहे और
ये इन्फॉर्मेशन रीड करके ट्रांसमिट करते रहे। तो इस तरीके से ओशन टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इन बॉयज के थ्रू। हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल मे बी वेटिंग सुपर साइक्लोन एंड लॉकडाउन इनडायरेक्टली मे हैव प्लेड एंड लॉकडाउन में इनडायरेक्टली मे हैव प्लेड अ रोल मेट्रोलॉजिस्ट एंड एटमोस्फेरिक साइंस एक्सपर्ट टोल द हिंदू। अब एक बात बताइए, लॉकडाउन का क्या असर हो सकता है, लॉकडाउन का क्या असर हो सकता है ग्लोबल टेम्परेचर पे? कैन यू गेस लॉकडाउन का वेदर कंडीशन से कोई रिलेशन है? डू इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन लॉकडाउन एंड वेदर टेम्परेचर? सी लेवल के टेम्परेचर से लॉकडाउन का कुछ रिलेशन हो सकता है, वो आपको समझना है यहाँ पे। हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल में ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो शायद ये कारण हो सकते हैं इस एरिया में सुपर साइक्लोन्स के आने का। उसके अलावा लॉकडाउन के चलते भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में फ़र्क पड़ा है। सुपर साइक्लोन एम्फन दैट इज बैरलिंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल इज स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हैव फॉर्म्ड इन बीओबी सिंस सुपर साइक्लोन 1999 के बाद से जो आने वाले साइक्लोन्स हैं उसमें साइक्लोन आम्फन सबसे भयानक, सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होने वाला है। और 1999 के सुपर साइक्लोन ने पारादीप, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, उसको तबाह कर दिया था, नेस्तोनाबूद कर दिया था। अब वार्मर वाटर की बात करते हैं। साइक्लोन गेन देयर एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम वार्म ओशन सर्फेसेस। The year BOB has posed a record summer temperature. A fallout of researchers have warned of global warming from fossil fuel emissions that have been heating up the ocean. Bob has been particularly warned. Bob किसी बच्चे का नाम नहीं है, Bob Bay of Bengal को बोला जाता है। Some of boys जो मैंने आपको दिखाया है पीला वाला structure have registered maximum surface temperature to 32 to 34 degrees centigrade and a record temperature driven by climate change, we have never seen such high value until now. तो इसमें कोई नई बात नहीं है। We know that global water, जो ocean water temperature है वो लगातार बढ़ रहा है because of climate change, because of El Nino La Nina, because of acidification, और इस तरीके से ये climate, ये water temperature बढ़ता चला जा रहा है। अब cyclone Amphan intensified category 1 cyclone to category 5 in 18 hour mein ye plus plus hota hua category 1 se category 5 ka cyclone ho gaya। last year cyclone Fani category 4 cyclone tha। jab hum categories ki baat karte hain to ye 1 2 3 4 ki category mein category 5 is the highest one, strongest one। Tropical cyclone in these areas are tropical feature of the summer months and play a role in aiding the arrival of the monsoon। और ये tropical countries, Tropic of Cancer हमारे देश से जाता है, हम Tropic of Cancer और Equator के बीच में establish हैं, इसीलिए हमारी country को tropical country बोला जाता है। तो tropical countries में summer में इस तरह का cyclone आना कोई बड़ी बात नहीं है। India is not longer restricted to just the Bob but also in the Arabian and Indian Ocean। और इस तरीके से जो हमारे साइक्लोन्स हैं, नॉट पहले क्या होता था बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपैरिजन में ज़्यादा साइक्लोन्स आते रहे हैं, बट इन द रीसेंट पास अभी कुछ दिनों से ये फिनोमिना अरेबियन सी में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जाता था कि दोनों ओशंस का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से और पहले जो बे ऑफ बंगाल में हम फिनोमेना देखते थे वो हमारे अरेबियन सी में देखने को मिल रहा है। एंड दिस मेक स्टॉर्म प्रिडिक्शन लेस रिलायबल एज वेल एज डिसरप्टिंग मॉनसून पैटर्न्स। सो साउथ वेस्ट मॉनसून को भी ये इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये समझना है कि लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पूरे अफेयर में। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर, मानसून, मंजीत यादव सर बॉयंट लॉ से कोई कनेक्शन है क्या? सी मंजीत, बॉयंट मतलब यह है इकोनॉमी में भी बोयंसी बोली जाती है, ज्योग्राफी में भी बोयंसी बोली जाती है। बोयंसी मतलब यह है कि ऊपर की तरफ उठना, उछाल आना किसी चीज़ में। इकोनॉमी में भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो बॉय जो हम बोलते हैं, बोयंसी का मतलब यह है कि तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ पानी के सर्फेस पे। इकोनॉमी में अगर इसको बोलेंगे तो इकोनॉमी में जब लिक्विडिटी राइज होती है, स्टॉक्स के शेयर बढ़ते हैं, इकोनॉमी राइज करती है, दैट इज शोन बोयंसी, मतलब पॉजिटिविटी, ऊपर की तरफ बढ़ना। अनदर रिसर्च, लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखिए किस तरीके से हमारे नेहा मदेशिया, क्योंकि इसी वे से जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसका डिसीजन लिया गया है। इसको डिसीजन हमेशा रैंक नंबर 1 टॉप नहीं होता, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिया है 1 2 3 4 5।
अनदर रिसर्चर कहते हैं एलिवेटेड ओशन टेम्परेचर दिस ईयर कुड बी इन पार्ट एक्सप्लेन बाय लॉकडाउन. अब बड़े ताजुब की बात है लॉकडाउन का एलिवेटेड ओशन टेम्परेचर से क्या लेना देना है. रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर इमिशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेंट फीवर एरोसोल्स सच एज ब्लैक कार्बन दैट आर नोन टू रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड हीट अवे फ्रॉम द सर्फेस एवरी ईयर. इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडो गैंजेटिक प्लेन इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स बॉब एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ओवर सीन. अब यूपीएससी आपको यहां मार गिराएगा. यूपीएससी यहां से स्टेटमेंट देगा आपको. स्टेटमेंट पे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट. रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर इमिशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेंट फ्यूअर एरोसोल सच एज ब्लैक कार्बन नोन टू रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड हीट अवे फ्रॉम द सर्फेस. क्या ये सच है. दूसरा चीज increased particulate pollution from the Indo-Gangetic plain is transported towards BOB and is also influences the formation of cloud over the sea. अब aerosols का क्या काम होता है. जो particulate matter जो कल कारखाने की चिमनियों से निकलते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं. ठीक है, आपको फिर से एक मैप पे समझाता हूँ और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत बहुत कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये सारा, इसको समझना. बट ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखिए. लॉकडाउन में हमारे कल कारखाने बंद हैं, नहीं चल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. पार्टिकुलेट मैटर जो है, आपको मैं मैप बना के दिखाता हूँ. यहाँ पे एक चिमनी है, ठीक है, इस चिमनी से ढेर सारा पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में आ रहा है. ठीक है, ये चिमनी से निकलता हुआ धुआं है. अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये आसमान में इस तरीके से तैर रहा है. ठीक है, सोलर रेडिएशन मतलब सूरज की किरणें यहाँ आती हैं, इससे टकरा के ऊपर चली जाती हैं, आती हैं टकरा के ऊपर चली जाती हैं. इस तरीके से जो पूरा सोलर रेडिएशन है, सूरज की पूरी किरणें हैं, वो ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते टेम्परेचर कंट्रोल रहता है. लेकिन जब आसमान बिल्कुल साफ होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, एरोसोल नहीं होंगे, पार्टिकल्स आसमान में नहीं होंगे, हवा में नहीं होंगे, तो इनको डिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इनको वापस भेजने वाला कोई नहीं रह जाएगा, जिसके चलते पूरा का पूरा हीट जो है उसको ओशन वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा और ओशन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो बे ऑफ बंगाल में ये सारा सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसके पीछे लॉकडाउन का इम्पैक्ट हो सकता है. गाइज, समझ में आया, ये समझना है. और ये समझ लिया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो गई. आप उन एवरेज एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे हैं. इज दैट क्लियर. हालांकि ब्लैक कार्बन की जो हम बात कर रहे हैं, आप ये पूछेंगे सर ब्लैक कार्बन तो जो है वो सरफेस में हीट अब्सॉर्ब करता है. यस वो करता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कार्बन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे. ब्लैक कार्बन अगर इश्यू होगा तो ब्लैक कार्बन, हाँ ब्लैक कार्बन में भी क्या होता है कि उसमें भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं. ठीक है, सारा का सारा जो ब्लैक कार्बन धुएं जो चिमनी से निकलता है वो सारा का सारा बर्फ पे जाके बैठता नहीं है, उसके पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और उसका कुछ पार्ट जो है ओशन सर्फेस पे बैठ जाता है. राइट, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन. सो पार्टिकुलेट मैटर्स सोलर रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करेंगे और जबकि ये ब्लैक कार्बन जो है जो आइस के ऊपर आ जाएगा वो सारा हीट को अब्सॉर्ब करता रहेगा. आपके घर में दिन में नहाने की गलती नहीं करते होंगे आप 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि अगर आपकी टंकी काले रंग की है तो इतना हीट अब्सॉर्ब कर लेती है, पानी गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है आपने ना गर्म पानी से नहा लिया है और उसके बाद आपको फ्रेशनेस नहीं आता. इजंट इट, जो साइंस के टेक्नोलॉजी नेहा मदेशिया ओजोन लेयर है बच्चे, बट ओजोन लेयर तो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है ना, सोलर रेडिएशन को नहीं रोकता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर सोलर रेडिएशन सूरज से आने वाली किरणों में जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे बचाव करता है, सोलर रेडिएशन को नहीं रोकता है. सोलर रेडिएशन मतलब सूरज की किरणें, उसमें सिर्फ अल्ट्रा वायलेट वाले जो रेज हैं उनको रोक लेता है, उनको थाम लेता है, बाकी को जाने देता है. इज दैट क्लियर. Guys, is that clear? Give me a thumbs up if you agree with me. If you don't agree with me, give me a thumbs down and I will explain you once again. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन को आप ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे. आपने ब्लैक कार्बन पढ़ा है, आपने एसिडिफिकेशन पढ़ा है, आपने एल नीनो ला नीना पढ़ा है, आपने एनसो पढ़ा है. ठीक है, किस तरीके से. अब सी लेवल राइज का मतलब क्या है. सी लेवल राइज से मतलब यह है कि पानी का इवापोरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, हवा पानी जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी. जब पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा तो नीचे एक जगह खाली होगा. ठीक है, अब एक आपको मैप इमेजेस के थ्रू मैं बता देता हूँ. Let me make you understand through images. Lockdown impact. एक बात सुनिए, यहाँ पे आपका ये इक्वेटर है,
ठीक है, इक्वेटर है और आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लीजिए, आपने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी हो गया। यहाँ पे अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियन टेम्परेचर अगर ऊपर बढ़ रहा है, व्हाट विल हैपन, ठीक है, वार्म वाटर जो होता है, वार्म वाटर जो होता है हल्का होता है, क्या होता है, हल्कट नहीं, हल्का, हल्का होता है। कोल्ड वाटर जो क्या होता है, कोल्ड वाटर क्या होता है, हैवी होता है, भारी। तो जब यहाँ पे पानी गर्म होगा तो पानी ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन, पानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो, पानी नहीं, पानी गर्म होगा, उबलेगा, उसके बाद से इवेपोरेशन होगा, तो पानी भाप बन के ऊपर उठने लगेगा। अब जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्लियर होगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब इस वैक्यूम को भरना तो पड़ेगा ना, तो आसपास की जितने ठंडे पानी हैं जो हैवी हैं वो सारा ड्राइव होके इस एरिया में आ जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल चलना शुरू होगा, जो अब ये यहाँ से पानी गर्म होके ऊपर उठता रहेगा, ठंडा पानी यहाँ आता रहेगा, इस तरीके से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का जन्म होगा, एक साइक्लोन का जन्म होगा, जो साइक्लोन एम्फन के नाम से मई के महीने में 20 तारीख को ओडिशा और वेस्ट बंगाल के घाट पे पहुंचेगा। गाइस इज दैट क्लियर, गाइस इज दैट क्लियर। पांच में आ रहा है हाई रिस्क कैटेगरी में, गाइस इज दैट क्लियर, गिव मी अ थम्स अप। आपको समझाया किस तरीके से एक सिंपल में बिना ज्योग्राफी में गए हुए, ज्योग्राफी के लैंग्वेज को टच किए हुए आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे जब ये ओशन वाटर बढ़ेगा, ठीक है, ये गर्म पानी है, ये वार्म वाटर है, वार्म वाटर है, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद से जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइकिल चलता रहेगा, गर्म पानी ऊपर उठता रहेगा, ठंडा पानी नीचे आता रहेगा, एंड देन अ साइक्लोन विल बी क्रिएटेड हियर, ठीक है, साइक्लोन क्रिएट होता चला जाएगा, राइट। निशा सर, इज देर एनी लॉजिक बिहाइंड द गिवन द नेम ऑफ साइक्लोन और सडनली प्रोवाइड लाइक आलिया, नहीं नहीं, ये आलिया नहीं है, आइला है, आलिया नहीं है, आइला है, ठीक है। साइक्लोन, यस एब्सोल्युटली, जो हमारे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो एशिया को कवर करता है, उसमें हर कंट्री को है 8 नाम दिए गए हैं, ठीक है, हर कंट्री को जो है 8 नाम दिए गए, जो एशिया पैसिफिक में, मैं आपको बताता हूँ, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें जितने भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में, जैसे हो गया इंडिया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो, नेपाल नहीं है, नेपाल है ही नहीं, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सारे कंट्रीज़ को और बाकी अलग अलग इंडियन ओशन के कंट्रीज़ को 8 नाम दिए गए हैं, और ये रोटेट होते रहते हैं। अगर इस बार हमने इसका नाम आम्फन दिया है, तो नेक्स्ट टाइम इसका नाम जो है पाकिस्तान इसका नाम रखेगा, पाकिस्तान इसका नाम रख सकता है गजनी, राइट। फिर मान लीजिए इंडिया के हिस्से में ये नाम आया, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार एक मीटिंग होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, जो एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करता है, वो हमसे 8 नाम ले लेते हैं, जो बारी बारी से रोटेट करके रखे जाते हैं। तो मान लीजिए इस नेक्स्ट टाइम हम क्या नाम रख देंगे, कटप्पा, ठीक है, उसके बाद से भल्लाल देव, बाहुबली, बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3, तो 8-8 नाम, एशिया पैसिफिक के जो 8-10 कंट्रीज़ हैं उनको 8-8 नाम दिए गए हैं, वो एक साथ अपने नाम लिख के दे देते हैं, भैया ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड नेम्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हर कंट्री का अपना नाम है, आप देखेंगे साइक्लोन नीलोफर है, साइक्लोन आम्फन है, उसके अलावा साइक्लोन फानी है। तो ये कंट्री, ये सिर्फ हमने नाम डिसाइड नहीं किए, ये नाम सर्कुलेशन में चल रहा है, जब भी अब नेक्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा तो वो कोई दूसरी कंट्री का नाम होगा, इसीलिए बड़े अजीबोगरीब नाम आपको सुनने को मिलते होंगे। गाइस ये समझ में आ गया सर, पहले साइक्लोन इतनी जल्दी नहीं आते थे, पर अब बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, रोशनी खान इसलिए आते हैं क्योंकि पहले टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता था एटमॉस्फेयर का, इतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, इतने ग्रीन हाउस गैसेज नहीं थे, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, और इतना ज़्यादा और एसिडिफिकेशन इतना नहीं था, जिसके चलते ओशन का वाटर लेवल जो था, वाटर टेम्परेचर था, मेंटेन था। आगे चलते हैं, फीवर क्लाउड्स एंड मोर हीट इन बे ऑफ बंगाल, fever clouds and more heat in Bay of Bengal may have amplified the strength of the cyclone. We have observed that during the lockdown from March to April, temperature have risen to 1 to 3 degrees Celsius higher. Exact contribution from aerosol is still to be determined, and this is
अब ये कहने का मतलब है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ओशन वाटर टेम्परेचर में 1 से 3 डिग्री सी का सेल्सियस का बढ़ाव देखा गया है। वो इसलिए है क्योंकि फैक्ट्रीज चल नहीं रही हैं। फैक्ट्रीज से जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते थे, एरोसोल पार्टिकल्स निकलते थे, वो हवा में तैरते हुए नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन से उड़ीसा की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते थे। इसका इम्पैक्ट क्या होता था कि एरोसोल जो सोलर रेडिएशन था इस पर आके डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इनके डिफ्लेक्शन के चलते पूरा का पूरा सोलर रेडिएशन पानी में नहीं पहुंचता था क्योंकि वाटर जो है हीट को अब्सॉर्ब करता है। समुंदर का कलर जो है डार्क है, दैट इज नॉट कम्प्लीटली ब्लू, दैट लुक्स लाइक डार्क। अगर दूर से देखेंगे तो समुंदर काला दिखाई देगा आपको। बट सिंस ये पार्टिकल्स अब हवा में तैर नहीं रहे हैं, जिसके चलते ये पूरा का पूरा हीट जो है अब्सॉर्ब कर रहा है। क्लाउड भी नहीं है, क्लाउड भी जो है वो डिफ्लेक्ट करता है इन सारे सोलर रेडिएशन को। क्लाउड होते हैं, एरोसोल होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये डिफ्लेक्ट करते हैं। बट सिंस दे आर नॉट अवेलेबल, तो लॉकडाउन के चलते इसका इम्पैक्ट शायद समुंदर का जो पानी है वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टीम्स टू कीप अप एन आई ऑन टाइगर मूवमेंट। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देखेंगे, आपको एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन देना है। सो व्हाट यू विल से, बहुत सी टीम गठित की गई है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल को टच करने वाला है। व्हाट विल हैपन विद द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, सुंदरबंस है यहाँ पे, आप ये देखेंगे। अब मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आपको पढ़ाया गया है, इसमें से सुंदरबंस आपका वेस्ट बंगाल में पड़ेगा और चिलिका उड़ीसा में पड़ेगा। इन दोनों में से रामसार साइट कौन सा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? रामसार और यूनेस्को, इन दोनों में से, दोनों में से सुंदरबन और चिलिका में से कौन रामसार साइट है और कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नेहा मदेशिया, बट सर दिस साइक्लोन कम अंडर इन आवर कंट्री, देन व्हाई विल अदर कंट्रीज गिव नेम टू अ साइक्लोन? क्योंकि जो साइक्लोन है, जो बच्चे समुंदर में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे घर का थोड़ी है, वो समुंदर, वो हमारा स्विमिंग पूल थोड़ी है। दैट इज अ वर्ल्ड प्रॉपर्टी, दैट इज अ वर्ल्ड रिसोर्स, राइट? वो पूरे वर्ल्ड का है। तो इसी के लिए कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया के वेदर प्रेडिक्शन से आप साइक्लोन को रोक लगे? नहीं, वर्ल्ड की पूरी एजेंसी साथ में लगती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगता है, जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वेदर को मॉनिटर करने के लिए, उसके साथ वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करता है। और इनफैक्ट इंडिया जो है एशिया पैसिफिक में, इंडियन ओशन में बहुत से डिपार्टमेंट, बहुत सी कंट्रीज़ के बदले का वेदर मॉनिटरिंग करता है एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। इसी के चलते, और समुंदर जो है इतना छोटा तो है नहीं, बहुत सी कंट्रीज उसके आसपास हैं। और एक चीज़ और भी है, ऐसा थोड़ी है कि साइक्लोन जो है उसको वो आके दरवाजे पे एक बार रुक जाएगा और बोलेगा मोदी जी आपका जब तक रूल है तब तक मैं आपकी कंट्री को टच नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? सो अब मुझे जल्दी से बताइए, सुंदरबन यूनेस्को है, चिलिका वेटलैंड है, रामसार है, चिलिका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? नहीं, चिलिका यूनेस्को नहीं है अभी, चिलिका रामसार साइट है। इट इज़ येट टू बी डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आशीष सुसावत, थैंक यू सो मच, आपको पहली बार देख रहा हूँ मैं। रामसार साइट एंड यूनेस्को, सुंदरबन रामसार साइट भी है, यूनेस्को भी है, चिलिका सिर्फ जो है रामसार साइट है। इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, येट टू बी ऑनर्ड विद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्रीति परमार, सुंदरबन रामसार एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चिलिका लेक ओनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्रीति, आपका आंसर सबसे अच्छा दिखा है इसमें। श्री रियो, चिलिका इज रामसार साइट एंड सुंदरबन इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसार साइट। ओके, थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। With cyclone Amphan set to lash the coastal areas of West Bengal on Sunday, State Forest Department on Tuesday formed a rapid response team to ensure that tigers from Sundarban in South 24 Pargana district do not stray into nearby. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कुछ additional information gather करेंगे अपने दम पे, right? अब आप क्या हुआ, additional resources क्या है? Additional resources ये हैं, आप Sundarban के बारे में पढ़ेंगे, सुंदरबन के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूनेस्को स्टेटस को मैंने बता दिया है आपके, इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस को बता दिया है, रामसार के स्टेटस को पढ़ चुके हैं क्योंकि रामसार इस बार इम्पॉर्टेंट हुआ है, 10 नए साइट्स ऐड किए गए हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, रामसार साइट के अलावा आपको चिलिका लेक के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है,
मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैनग्रोव है साइक्लोन विंड ब्रेकर्स की तरह काम आते हैं। इसमें मैंने इमेज अटैच नहीं किया, बट आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है स्टॉर्म सर्जेस को, साइक्लोन्स को रोकने में। आगे चलते हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको रुसिकुल्या रुकरी लेके चलता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एरिया भी रिलेटेड है, तो उसको आप इजीली समझ लेंगे। लेट मी टेक यू थ्रू रुसिकुल्या रिवर एक बार चल लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपने रामसार साइट वेस्ट बंगाल उड़ीसा दोनों को पढ़ा है, ठीक है। मास हैचलिंग जो है इस बार अ गुड ईयर फॉर ओलिव रिडले टर्टल्स, यहाँ तक कि ओलिव रिडले टर्टल भी जो है ना बहुत खुश हैं कोविड के आने से, कोविड-19 को ये थैंक यू बोल रहे हैं कि तुम्हारे चलते हमारे नेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए है ही नहीं। ये ओलिव रिडले टर्टल्स हैं जो हैचलिंग के बाद से निकलते हैं अपने अंडों से और समुंदर में विलीन हो जाते हैं फिर से वापस लौटने के लिए, हैचलिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए। सो ये हमारे कितना अच्छा होता, हम भी ऐसे होते, बट हम अंडों में नहीं होते हैं। वी टेक टू मच टाइम टू ग्रो। इनको देखिए, अंडे से बाहर निकले और इनको तैरना आ गया, और यहाँ पे यूपीएससी का सारा अटेम्प्ट गंवाने के बाद भी पानी में, समुंदर में तैरना तो दूर, नदी नाले और तालाब में भी डूबने का हुनर नहीं आया, और तो और दो बार डूबने की घटना भी हो चुकी है। सो ये देखिए इनको, दे आर बेटर देन मी। मास हैचिंग ऑफ ऑलिव डे, हैचिंग का मतलब क्या होता है, अंडों को तोड़ के निकलना, इस अंडे को तोड़ के जब निकलेगा ये तो इसको हैचिंग बोलते हैं। मास हैचिंग नॉट हैचलिंग, हैच इसमें से जो निकलेगा उसको हैचलिंग बोलते हैं। हैचलिंग मतलब छोटा छोटा जानवर, छोटा छोटा जो स्पीशीज है, छोटे कछुए हैं, उनको हैचलिंग बोलेंगे, छोटे छोटे होते हैं। मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल एग्स हैज एंडेड एट रुसिकुल्या रुकरी ऑफ ओडिशा कोस्ट, हम फिर से ओडिशा आ गए हैं। लैक्स ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल हैचलिंग एंटर्ड द सी एट बीच इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, एग्स बरीड इन द नेस्ट अलोंग द सैंडी बीच बिगन ऑन May 7, द नंबर ऑफ हैचलिंग हैड रीच्ड दिस पीक। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो मास हैचलिंग के लिए यू नो ओडिशा आ चुके हैं, और दे हैच्ड एंड नाउ मास हैचलिंग जो है वो सी में माइग्रेट कर रही है। जो छोटे छोटे कछुए हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, अब वो समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस बार 3,23,063 ऑलिव रिडले टर्टल्स ने अपना नेस्टिंग किया था यहाँ पे और हैचलिंग के लिए आए हुए थे। Despite destruction of some nest and eggs by high tide, a large number of hatchling entered the sea from here. So, थोड़ा सा बहुत नुकसान हुआ है इनके population को, but a large number of hatchlings have entered the sea. According to wildlife expert, approximately 1 in every 1,000 hatchling entered the sea survive to reach adulthood. ठीक है, यहाँ पे देखिए, approximately 1 in every 1,000 hatchling entering the sea survive to reach adulthood. Following the mass mating that takes place at the sea near the coast, ऑलिव रिडले बिगिन देयर रिटर्न जर्नी टू डेस्टिनेशन सेवरल 100 kilometers अवे। अब आफ्टर द मास नेस्टिंग द फीमेल टर्टल्स डू द सेम। सो इस तरीके से हर साल एक निश्चित समय पे ये टर्टल्स हैं हजारों किलोमीटर दूर कंट्रीज से इंडिया की तरफ आना शुरू करते हैं। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वॉट टेक्नोलॉजी डू दे यूज, वो कैसे इस, मतलब इसी लोकेशन पे, एक ही लोकेशन पे, एक ही कोस्ट में दूर दराज के कंट्री से यहाँ कैसे पहुँचते हैं, अभी भी रहस्य बना हुआ है। आगे देखेंगे, इस कोरोना लॉकडाउन के चलते इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक रिड्यूस्ड ह्यूमन प्रेजेंस ड्यूरिंग द मास नेस्टिंग पीरियड एंड इंक्यूबेशन एंड मास हैचलिंग अराउंड रुसिकुल्या रिवरी कोस्ट हैज कंट्रीब्यूटेड। मतलब लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपने घरों में थे, जिसके चलते इनके नेस्टिंग में इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और बहुत अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिली है। सो इस तरीके से आप ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में जानेंगे। अब मुझे ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में बताइए, इनका IUCN स्टेटस क्या है? What is the status of IUCN? क्या ये IUCN का status मुझे बता दीजिए, olive ridley turtle का। उसके अलावा ये salt water turtle है या fresh water? ये salt water turtle है, fresh water है, कहाँ मिलता है ये? Atlantic में मिलता है, Pacific में मिलता है, इंडियन ओशन में मिलता है? श्रद्धा गुप्ता बताता हूं मैं, पहले मुझे क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए इन बच्चों से, दे विल टेल यू द आंसर। IUCN का स्टेटस जल्दी से बता दीजिए, IUCN का स्टेटस जल्दी से बता दीजिए इन ऑलिव रिडले टर्टल्स का। गाइस गिव मी द आंसर।
लीस्ट कंसर्न, ओके, एनीबडी एल्स? वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, सॉल्ट वाटर. पूजा दुरान आपका आंसर सही है. सॉल्ट वल्नरेबल फॉर फ्रेश वाटर, ओके. इंडेंजर्ड, नो हजरा बानो, ये इंडेंजर्ड नहीं है और फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है. दिस टर्टल इज नॉट इंडेंजर्ड, नॉट इन फ्रेश वाटर. उत्तम सिंह, सॉल्ट वाटर, यस सर, सॉल्ट वाटर. एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट टर्टल स्पीशीज इन द वर्ल्ड. ये सबसे अबंडेंट है, इनकी पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है. खतरा जो है ह्यूमन इंटरवेंशन से है, ठीक है. जो नेस्टिंग साइट है वो डिस्टर्ब हो जाए तो इनके पॉपुलेशन में खतरा नहीं आएगा, बट अगेन इनके जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा खतरा आ जाएगा. सो दे आर नॉट फ्रेश वाटर, दे आर सॉल्ट वाटर टर्टल्स. दे आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दे आर नॉट इंडेंजर्ड, दे आर वल्नरेबल. दे आर वल्नरेबल, ये नहीं होता कि खतरा आ गया. वल्नरेबल का मतलब ये होता है कि अगर इस रुसिकुल्या रुकरी पे, गंजम कोस्ट पे कोई दिक्कत हो जाए, कोई कंटामिनेशन हो जाए, या जो छुट्टे घूमने वाले फालतू कुत्ते हैं वो इनके नेस्टिंग को, इनके अंडों को फोड़ दें, डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर मछुआरों की गलती से बहुत से ऑलिव रिडले टर्टल जो है जाल में फंस के मर जाएं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके चलते ये वल्नरेबल हैं. वल्नरेबल का मतलब एग्जैक्ट खतरा नहीं होता. वल्नरेबल का मतलब यह है कि ठीक है, मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा लग जाता है, या थोड़ा सा ठंडा हुआ और किसी किसी को आपने देखा होगा उनके नाक बहने लगती है, दैट इज़ अ वल्नरेबिलिटी, ठीक है. बट अगेन वल्नरेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि पॉपुलेशन को डायरेक्ट थ्रेट है. इट इज़ वल्नरेबल बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल थिंग्स, ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ये फ्रेश वाटर में नहीं, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट है पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, ठीक है. फ्रेश वाटर टर्टल, नो नॉट नॉट प्रीति परमार. वल्नरेबल, सॉल्ट वाटर, रोशनी खान, आपने आंसर चेंज कर दिया है. ओडिशा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नून रुकरी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स, भीतर कनिका गहिर माथा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडेड एंड वल्नरेबल. गाइज, पवन इनामदार का एक बार आंसर एक बार देख लीजिए. लुक एट द आंसर ऑफ पवन इनामदार, हैव अ लुक एट इट. आपको समझ में आ जाएगा वॉट एग्जैक्टली इज कॉल्ड संवेदनशील, इमोशनल. प्रीति परमार, व्हाट हैपेंड? लुक एट पवन इनामदार्स आंसर. दिस इज द स्टैंडर्ड ही हैज अचीव्ड. पिछले कुछ दिनों से पवन इनामदार का आंसर जो है, मैं किसी को पर्सनल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के फेवर में नहीं हूं, बट अगेन इस लड़के ने जो रिवीजन किया है, इसको बाकी किसी चीज को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. सो एक थम्स अप बनता है, राइट? I want this standard to be followed by all of you. मेरे लिए नहीं, अपने लिए कीजिए, क्योंकि इस बात को मैं भरोसा दे दूं आपको, आप जो कुछ भी यहाँ करके जाएंगे उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है. ये बिल्कुल पवन इनामदार का रिविजन हो चुका है. जैनब खान, रोशनी खान, उत्तम सिंह, या इसमें जो नए बच्चे हैं, पूजा दुरान, आलोक कुमार दुबे, मंजीत यादव, श्रद्धा गुप्ता, आपने गलत आंसर दिया या सही आंसर दिया, यू आर अ पार्ट ऑफ रिविजन. यू आर फोर्सिंग योर माइंड टू रिकॉल दैट इन्फॉर्मेशन, और वो सबसे बड़ी चीज़ है. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच पवन फॉर दिस आंसर. सर, वल्नरेबल का मीन्स लिखा है, अच्छा, संवेदनशील, अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी. मैंने सोचा ये कहाँ से अचानक से संवेदनशील आ गया. बड़े शर्म की बात है कि एक बिहार यूपी का लड़का हिंदी बेल्ट से आता है और यहाँ आके उसको हिंदी भूल जाती है, तो अब मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए. आगे चलते हैं. अब हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम देखते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजिकल. यहाँ पे आ जाइए. क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स टू बी रिवाइज, ठीक है. मीडियम यूनिट्स टू बी रिवाइज, कंपनीज विद 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, 200 करोड़ के टर्नओवर जो है वो मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में आएंगे. 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिसमें लगा हो और साल भर में अगर आप 200 करोड़ कमाते हैं तो आपका जो है टारगेट, आपका जो नाम है, आपकी कैटेगरी है मीडियम इंटरप्राइजेस में आ जाएगी. ये है आपके मीडियम इंटरप्राइजेस. मीडियम इंटरप्राइजेस आपने देखा होगा, कल कारखाने होते हैं जिसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको बीटेक और बीई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ काम करने के लिए. कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास एक बड़ा सा यू नो ह्यूज लेबर फोर्स है जो अनस्किल्ड है, वो इस मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में अब्सॉर्ब हो सकता है. और इस तरीके से एग्रीकल्चर से हम बहुत बड़ा बोझ, जो 60% एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स है, उसको निकाल के हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में ले आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेके आ सकते हैं. सो माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लगा हुआ है, उसका पार्ट है.
Days after changing the definition of MSME, the government has decided to further revise criteria for medium-sized units by enhancing investment and turnover limits up to 50 crore and 200 crore respectively. The contours of 20 lakh crore stimulus package, Finance Minister Nirmala Sitharaman has last week announced a change in definition of micro, small and medium enterprises. तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत जो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया है उसमें ये डिसीजन लिया है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन चेंज किया जाएगा। इस डेफिनेशन को चेंज करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बहुत से स्कीम्स होते हैं, बहुत से बेनिफिट होते हैं जो सरकार देती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस डेफिनेशन के चेंज होने से उनको फायदा मिलना शुरू होगा। As per revised decision, any firm with an investment up to 1 crore or turnover अगर 5 crore का है तो उसको micro industry के तौर पे कहा जाएगा। कोई भी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग 10 करोड़ हो और टर्नओवर 50 करोड़ के पास हो उसको स्मॉल इंटरप्राइज किया जाएगा। सो पहले आएगा माइक्रो, उसके बाद से स्मॉल आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, मीडियम आएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम आएगा। तो पहले में 1 करोड़ बटे 5 करोड़ कर दीजिएगा, उसके बाद से दूसरे में जो है 10 करोड़ 10 करोड़ और स्लैश करके 50 करोड़ कर दीजिएगा, तीसरे में जो है 20 करोड़ स्लैश करके 100 करोड़ लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया गाइज, इज दैट क्लियर? मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट वे। ये है आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसमें कितना है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ आपका टर्नओवर होना चाहिए, आप माइक्रो इंडस्ट्री में हैं, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ हो और 50 करोड़ आपका टर्नओवर हो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में है, और मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या है, 20 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया और मैक्सिमम टर्नओवर जो है मतलब साल भर की कमाई वो 100 करोड़ हो। तो इस तरीके से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, अरे परमार पूजा उतना बड़ा क्या लिखना है, लुक एट दिस इडियोटिक वे ऑफ स्टडिंग। इस तरीके से लिख के देखिए ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे 5 करोड़ टर्नओवर है, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे 50 करोड़ टर्नओवर है, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये इन तीनों क्राइटेरियाज को टच करते हैं। सिंपल एज दैट, राइट, सिंपल एज दैट। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आपको अपनी लर्निंग को बहुत टफ नहीं बनाना है। अब पहले का जो क्राइटेरिया था, पहले का क्राइटेरिया दूसरे था, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पहले का क्राइटेरिया जो भी रहा हो, प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग इंटरप्राइज इन मीडियम कैटेगरी वॉज इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़, जबकि यहाँ पे क्या आ गया है, इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ लिया दिया। अब ये डिसीजन लिया क्यों गया, वी हैव टेकन अ डिसीजन टू रेज अप टू 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 200 करोड़, सो विल इश्यू एन ऑर्डर फॉर दैट। अब आगे चल के ये क्राइटेरिया थोड़ा और चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए यही क्राइटेरिया है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। रेजिंग लिमिट टू 250 करोड़ की बात करते हैं। मिनिस्टर ऑल्सो सेड शी वॉज ओपन टू कंसिडरिंग सजेशन रिगार्डिंग इनहेंसिंग द टर्नओवर लिमिट ऑफ अप टू 250 करोड़ फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस। इट विल टेक अप द मैटर विद MSME सेक्रेटरी। ये आगे चल के ये भी है जो रेजिंग लिमिट है, अभी तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 100 करोड़ किया है, हो सकता है इसको फ्यूचर में 250 करोड़ कर दिया जाए, बट अभी के लिए जो है वो ये डेटा आपको लेना है। 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 100 करोड़ का टर्नओवर जिस कंपनी का होगा वो मीडियम इंटरप्राइजेस में आएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाई आर वी चेंजिंग लेबर लॉज, व्हाई आर वी चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, व्हाई आर वी डूइंग इट, क्या पर्पस है करने का, और वो भी एट दिस पॉइंट इन टाइम, व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। और अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में ये जरूरी था, और इससे लेबर फोर्स को क्या असर मिलेगा, इज दैट अ फोर्स, क्या ये लेबर फोर्स के हित में है या फिर ये इंडस्ट्रीज के हित में है। प्रणीता रॉय, माइक्रो 1/5, स्मॉल 10-50, मीडियम 220 करोड़, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग एडेड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। सुमाना हजरा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अब जल्दी से मुझे बताइए, व्हाई दिस थिंग इज बीइंग हैपेंड, इज ये अभी क्यों किया जा रहा है। अभी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कराना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ग्रो कराना है, क्योंकि ये छोटे छोटे कल कारखाने हैं जो ह्यूज नंबर पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सी कंट्रीज, बहुत सी गवर्नमेंट ने, बहुत सी कंपनीज ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं चाइना में. सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारा ओवरहॉलिंग किया जा रहा है, लेबर लॉस को चेंज किया जा रहा है और उसकी क्राइटेरिया चेंज की जा रही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन चेंज किया जा रहा है और FDI रूल्स चेंज किए जा रहे हैं ताकि जो कंट्रीज, जो कंपनीज चाइना में अपनी दुकानें बंद करके आ रही हैं, दे कैन सेटअप देयर शॉप इन इंडिया. इज दैट क्लियर? उसके अलावा एक जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, द गवर्नमेंट, द मिस्टर गडकरी है सेड दैट द गवर्नमेंट प्लान टू रेज MSMEs contribution to India's export to 60% from 40% at the present. So micro, small and medium enterprises का GDP में contribution 48% है, जबकि agriculture का contribution 14% है. Exactly, favor in industry. Uttam Singh ji, Shraddha Gupta, economy boost up के लिए, okay, to promote industry, to manage economic growth, to increase productivity and to show actual earning and improve मेड इन इंडिया. प्रणीता रॉय, आपका आंसर बहुत सधा हुआ है, इट्स गुड वन. आप अब आपके आंसर से रिफ्लेक्ट होने लगा है दैट यू आर अ वेटरन. सो गवर्नमेंट में आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 14 to 16% है GDP में, जबकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 48% है, जिसको 60% ले जाने की कोशिश की जा रही है, 60%. एंड also boost the sector's contribution to the country's GDP from 29% to 50%. Currently, to yahan pe micro, small and medium enterprises ka India ke exports mein, sorry guys, fir se I will change my statement. Micro, small and medium enterprises ka contribution hai India ke exports mein 48% as of now. Aur abhi country ke GDP mein jo contribution hai, wo 29% hai. जो 48% है वो एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है, 29% GDP में कंट्रीब्यूशन है. उसके अलावा 5 करोड़ जॉब क्रिएट करने की बात है, तो ये जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी, क्योंकि आप अचानक से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब खोल दीजिए पटना में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब खोल दीजिए, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कंपनी ओपन कर दीजिए गोरखपुर में, जो मेरा होम टाउन है, ठीक है, या फिर मेवात रीजन है हरियाणा का, वहाँ पे आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल हब बना दीजिए, या फिर न्यूट्रिनो से रिलेटेड एक आपको लार्ज हैड्रन कोलाइडर बनाना है, जहाँ न्यूट्रिनो की सर्च करनी है, आप उसको बना दीजिए झारखंड में, झारखंड में कोल फील्ड के आसपास बना दीजिए. कोई सेंस बनता है? इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वहाँ पे आपको लेबर फोर्स नहीं मिलेगा. एक स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए यू नीड हाईली क्वालिफाइड पीपल, कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद लोग काम कर पाएंगे लार्ज हैड्रन कोलाइडर में, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब में. तो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको कम से कम पहले तो 12 साल पढ़ाओ, राइट टू एजुकेशन के अंदर 12 साल पढ़ाओ. उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ये फेल नहीं होंगे, अगर फेल हो गए तो और ज़्यादा महामारी. 12वीं के बाद इनको BTech कराइए, MTech कराइए, और कोई ज़रूरी नहीं है दैट दे विल बी अप टू द मार्क. सो इतना लंबा टाइम किसी भी सरकार के पास, मोदी जी के पास भी 15 साल का टाइम नहीं है, 16 साल का. 12th क्लास जो है 12 साल ये हो गए और 4 साल आपको BTech करने में लगेगा, ठीक है, 16 साल हो गए. कभी बीमार पड़ जाओगे, कभी आंधी पांधी आ गया, कोई कलैमिटी आ गई, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए. सो नो गवर्नमेंट हैज़ दैट मच ऑफ टाइम टू वेट फॉर दैट टू रीप द डिविडेंड. इसीलिए शॉर्ट टर्म में अगर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कोई ग्रो कर सकता है तो वह है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि 29% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के GDP को. इसमें लेबर फोर्स को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. हम जो हमारा लेबर फोर्स है, माइग्रेंट लेबर्स है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के हम इन सारी एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ डेटा लेके बैठ जाएगा और एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन सारे लॉजिक को क्लियर करेगा. एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, MFG का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको रट के चलनी पड़ेंगी. इज दैट क्लियर? फॉर इंक्रीजिंग द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स प्लस 12 आवर्स फ्रॉम 8 आवर्स फ्रॉम 48 आवर्स 70 इन अ वीक अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948. पवन इनामदार, दिस इज इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. आई एम डिस्कसिंग समथिंग एल्स गाइस, इस चीज को देख लीजिए. सो आर यू क्लियर अबाउट दिस मैटर? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको सिर्फ डेटा चर्न अप नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट.
मैंने जो एक एक बेहुदा सा एग्जांपल दिया है, बिहार में आप स्पेस सर्विस लगा दीजिए, मेवात में आप लार्ज हैड्रन कोलाइडर एस्टैब्लिश कर, नहीं बिजनेस सेटअप करना बड़ी बात नहीं, उस बिजनेस के लिए लेबर फोर्स कहाँ से आएगा, स्किल्ड मैन पावर, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ टाइम, हमारे पास ह्यूज लेबर फोर्स है, मैलनोरिस्ड है, हंग्री है, लेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन है, सो उन लेबर फोर्स को हम ऑब्जॉर्व कैसे करें, ऑब्जॉर्व करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, कहीं मारेंगे, पीटेंगे, हत्या करेंगे, आगजनी करेंगे, दे विल बी मिसगाइडेड, शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, तंबाकू खाएंगे, उसके बाद से उनका टेलीविजन में ऐड आएगा, देखिए मुन्ना को समझाया था उनके पापा ने कि तंबाकू खाना बंद करो, तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन इसने नहीं माना और उसके बाद से टेलीविजन में ऐड आएगा। सो वी नीड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे लेबर लॉज में, रेंजिंग ऑफ इंटरप्राइज आर इंक्रीजिंग दो मोर इंडस्ट्रीज वुड कम इन MSME कैटेगरी इन केपेबल ऑफ क्रेडिट स्कीम बाई गवर्नमेंट, दिस वुड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इम्पावरिंग इकोनॉमी। थैंक यू सो मच शिनी रियो, हमारी एक बहुत ही शार्प शूटर की तरह बहुत सदा हुआ आंसर आता है इसका, थैंक यू सो मच शिनी, थैंक यू, लुक एट दिस आंसर पवन, लुक एट दिस आंसर, शिनी रियो को एक बार कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने, रेजिंग लिमिट आप आपको समझ में आ गया, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, अंटिल नाउ वी हैव क्रिएटेड 11 करोड़ जॉब्स, मिनिस्टर ने ये बोला है, एंड ऑन डेवलपिंग इंडियन MSME ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आप इसमें नोट क्या करेंगे, मैं फिर से बोल देता हूँ, दुनिया कुछ भी देखे, दुनिया के देखने से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने मतलब का निकाल लेना है UPSC के परस्पेक्टिव से, एंड दैट इज हियर, एंड दैट इज, आपको डेफिनेशन याद कर लेना है पूरे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है वो डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। द सेकेंड वन इज, एज ऑफ नाउ MSME's कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज एक्सपोर्ट इज 60% फ्रॉम 48%, GDP में 29% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और MSME को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डेवलप करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसलिए सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर इंटरनेशनल कंपनीज इन इंडिया, जो कि चाइना में अपनी दुकान बंद करने में लगी हैं। चाइना फैक्टर की बात करें, इंटरैक्टिंग विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एन एक्सपोर्टर्स बॉडी, ही अर्ज देम टू टेक एडवांटेज ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज पोस्ट बाय ग्लोबल हेट्रेड अगेंस्ट चाइना थ्रू कॉस्ट रिडक्शन एंड एनकरेजिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो इस तरीके से जो एक ग्लोबल हेट्रेड चाइना के अगेंस्ट में है, वर्ल्ड ये बात को मानने लगा है कि ये चाइनीज के चलते सारी बीमारी हुई है, सारे फसाद की जड़ ये है, इन्होंने लेबोरेटरी में वायरस पैदा किया और देश को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया, तो इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अपने बिजनेस को वहाँ से हटाने में लगी हैं, क्योंकि वो अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। सो इसीलिए टैक्स में रिबेट दे दीजिए, कॉस्ट में रिबेट दे दीजिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन चेंज कीजिए, MSME सेक्टर को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाइए, एंड इन्वाइट ऑल दिस कंपनीज टू सेट देयर शॉप इन इंडिया, सो दैट हमारे पास जो ह्यूज लेबर फोर्स है, अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, वो इन फैक्ट्रीज में काम कर सके। ठीक है, ऑलिव ट्रीटेड टर्टल्स हो गए, अब आपको एक आर्टिकल पे, गाइज इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री विद मी। Now we will talk about Arnab Goswami, the nation wants to know today. Page 10 pe, transfer a probe to CBI not a matter of routine, Supreme Court to Arnab Goswami. Vishwas Mishra, German shoe company already planned in Agra and Apple may move. Okay, good Vishwadeep, Vishwasatya Mishra, thank you so much for this information. Aage chalte hain, ye Arnab Goswami aapke saamne aa chuke hain, the nation wants to know today. अभी पालघर इंसिडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग की गई थी और उसके चलते अर्णव गोस्वामी बहुत चपेट में आ गए हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल को लेने का मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन के बारे में बता सकूं। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्यूज्ड रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी प्ली टू ट्रांसफर द मुंबई पुलिस प्रोब इनटू हिज ब्रॉडकास्ट कंसर्निंग ऑफ पालघर मॉब लिंचिंग टू CBI व्हाइल एक्सटेंडिंग हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट बाय अनदर 3 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी ने एक पिटीशन फाइल किया था कि उनका जो केस पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसको ब्रॉडकास्ट किया था रिपब्लिक टीवी ने ब्रॉड डेलाइट में और वो कुछ गलत नहीं था। उसके चलते इनके ऊपर मुकदमे हुए, इनकी फैमिली अटैक की गई और इनके अरेस्ट होने के चांसेस हैं। सो ही फाइल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट कि मुंबई पुलिस जो इस केस को प्रोब कर रही है कि इनके मीडिया ने इस चीज़ को दिखाया था जिसके चलते सोशल अनरेस्ट हुआ, सो इनके ऊपर मुकदमे ला दिए हैं। बट नाउ ही इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे मुंबई पुलिस
जो है वो जांच में ढिलाई कर रही है। दे आर टारगेटिंग मी एंड माई फैमिली एंड माई चैनल, सो मेरे केस को आप सीबीआई को ट्रांसफर करें, मेरे केस को सीबीआई को ट्रांसफर करें। कल हमने क्या किया था, कल हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपके फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। आर्टिकल 19 वन फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस फ्रीडम भी आता है। बट आज जो है आर्टिकल 1920 है जो बताता है जर्नलिस्टिक लाइसेंस वॉज नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने एक जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए थे मिस्टर धवल गुजरात में, जिन्होंने सरकार के फैसलों को लेकर उनकी निंदा की थी और कुछ स्टेटमेंट दिया था और ये बताया था हो सकता है कि विजय रूपानी सरकार जो गुजरात की सरकार है वो पैंडेमिक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई है, तो हो सकता है इनको पार्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दे और एक दूसरे चीफ मिनिस्टर को स्थापित करें। इस चीज़ को लेके उनके ऊपर सेडिशन एक्ट लगाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक्ट लगाया गया और उनको उठाकर उनके ऊपर उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च हो गया। यहाँ पे टीवी एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के ऊपर अटैक, उनकी फैमिली पे भी अटैक हुए, उनके ऊपर मुकदमे ला दिए गए जिसका इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है, जो कि पालघर मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है, वो हमने अपने सबने देखा था। नाउ अर्णब गोस्वामी सेज कि मेरा केस जो है मुंबई पुलिस से हटा के CBI को सौंपा जाए क्योंकि मैं भरोसा नहीं करता, मेरी कंपनी को, मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है और मुझे टाइम दिया जाए 3 वीक्स का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अरेस्ट से बचने के लिए। तो आपका फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपका फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट आर्टिकल 19(2) जो कहता है वो कहता है यू मे बी अ जर्नलिस्ट, आप प्रेस का पार्ट हो सकते हैं, बट यू योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू बी अडॉप्टेड टू बी टेकन केयर ऑफ। आपके फंडामेंटल राइट का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चलेंगे, उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन को उनके रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया कि आपके कहने से वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर योर केस टू CBI। इंडियाज फ्रीडम विल रेस्ट सेफ एज लॉन्ग एज जर्नलिस्ट कैन स्पीक ऑफ पावर विदाउट बीइंग चिल्ड बाय अ थ्रेट ऑफ रिप्राइजल। The exercise of fundamental right is not absolute and is answerable to the legal regime enacted with reference to provision of Article 19(2). So, सीधा सीधा मतलब यह है कि fundamental right का use कीजिएगा, लेकिन fundamental rights are not absolute. You have not got a license to speak whatever you wish. आप जो कुछ बोलना चाहते हैं वो सब कुछ नहीं बोल सकते, आपके ऊपर reasonable restriction है, you are in a democratic setup and you have to use this fundamental right with precaution. जस्टिस चंद्रचूड़ ने 56 पेज का जजमेंट लिखा है और इनके केस को मना कर दिया, वी आर नॉट ट्रांसफरिंग योर केस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा जस्टिस शाह भी इसमें है, जिन्होंने बोला ही कन्फर्म्ड इट्स एंटरिंग ऑर्डर ऑन April 24 टू ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू मुंबई एन FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट मिस्टर गोस्वामी अक्यूजिंग हिम ऑफ स्प्रेडिंग हेट थ्रू हिज April 21 ब्रॉडकास्ट। इट सेड मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू द FIR वुड कंटिन्यू। इस तरीके से अर्णब गोस्वामी के रिक्वेस्ट को उन्होंने खारिज कर दिया और ये उनको समझाया कि आपके पास जर्नलिस्ट हैं आप, यू आर आपके जो राइट्स हैं जर्नलिस्ट होने के नाते फ्रीडम ऑफ प्रेस के दायरे में आते हैं, आपके पास हक है बोलने का, यू हैव फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आगे चलते हैं। Transfer an ongoing probe from the state police to CBI was not a matter of routine, should be done sparingly and in exceptional circumstances. Goswami had accused Mumbai police of malafide and conflict of interest as they came under Maharashtra government, which Indian National Congress was a ruling partner. Accusation against police commissioner was also made, but the court said the transfer plea was merely a preempt investigation by the police. कहने का मतलब ये है कि इस बार Supreme Court ने Mr. Goswami का ये कहना है कि जो मुंबई पुलिस है, जो अपने मुंबई पुलिस ने केस हैंडल किया है उस पर मुझे भरोसा नहीं है, इनकी नीयत गलत लग रही है, इनकी नीयत साफ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो सरकार के कहने पे चल रहे हैं, इसीलिए मेरा केस जो है आप CBI को ट्रांसफ़र करें। उसके अलावा उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी एक्यूजेशन लगाए, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इट इज़ नॉट अ रूटीन, आप लोगों ने तमाशा बना लिया कि हर केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, ये रूटीन नहीं है, इट इज डन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस।
इट इज डन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जब हम आपका केस सीबीआई को रेफर कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ योर केस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये केस एज इट इज चलता रहेगा एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू लिवरेज. और फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, सो हम इसमें नहीं पढ़ने जा रहे हैं और हमें पढ़ना भी नहीं है एज ऑफ नाउ कि व्हाट्स गोइंग ऑन. हमें ये देखना है कि हमारा लक्ष्मीकांत का कोर्स कहाँ रिवाइज हो रहा है, क्योंकि आप इसमें एनालिसिस करने बैठेंगे तो एनालिसिस करते 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 पूरा हिंदू बाकी रह जाएगा, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा, न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इज दैट क्लियर? सो कल आपने धवल का केस देखा, धवल पटेल का केस देखा, ही वॉज अ जर्नलिस्ट. उसमें उनको सेडिशन का एक्ट लगाया गया है और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट लगाया गया है, दैट इज सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और वो भी प्रेस के फ्रीडम से रिलेटेड है. उसके अलावा आज का जो केस है अर्णब गोस्वामी का, दैट इज अगेन एसोसिएटेड विद प्रेस फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ यू नो एक्सप्रेशन ऑफ आई मीन फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. इज दैट क्लियर गाइज? इज दैट क्लियर? आपको आर्टिकल्स पढ़ना है बट कभी भी बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ना है. आपको बस इतना मतलब रखना है मेरे यूपीएससी के सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री विद मी. नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वो भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है. गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री विद मी. प्ली अगेंस्ट, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट लेबर लॉ चेंजेस. द सुप्रीम कोर्ट सून टू हियर केरला बेस्ड लॉ स्टूडेंट पिटीशन, जो कहता है changes made to labor laws amid COVID-19 pandemic supposedly to boost economic activity market reform amounted to forced labor in reality. Nandini Parveen petition says settled by advocate Kalishwaran Raj and filed by advocates Nishi Rajan Sonkar said the ordinances and notification issued by some states made fundamental change in labor law framework of the country. लेबर लॉ फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री. सो ये एक पिटिशन फाइल होने जा रहा है लेबर लॉज को जो चेंज किए हैं सेंट्रल सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19 पैंडेमिक. और ये बताया जा रहा है कि ये चेंजेस इसलिए किए गए हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट रिफॉर्म को बूस्ट किया जा सके, बट ऑन अदर हैंड ये बंधुआ मजदूर की तरह फोर्स लेबर की तरह दिखता है. और इसके अलावा ये भी बताया गया बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन का रूट लेने के बजाय ऑर्डिनेंस का रूट लिया और फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल चेंजेस किए लेबर लॉ फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री. फ्रेम जिस तरीके से लेबर लॉ फ्रेमवर्क था कंट्री में उसमें बिल्कुल ही बुनियादी चेंज कर दी है जो कि जस्टिफाइड नहीं लगता है. बिसाइड द सेंटर पिटिशन में स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रिस्पॉन्डेड ये सारे स्टेट्स को भी इसमें एलिजिबल किया गया है. इसमें ये भी बताया गया हरियाणा, असम, पंजाब, गोवा हैड इश्यूड नोटिफिकेशन एक्सटेंडेड टू वर्किंग आवर्स. तो ये क्या है? दिस इज वॉयलेशन, दिस सीम्स टू बी अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ये पिटिशन कहता है, हम नहीं कह सकते बिकॉज द कोर्ट इज येट टू हियर द पिटिशन. और किसी भी मुद्दे पे जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, हमारा नहीं है. उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस सेज ऑल फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल ऑपरेशन ऑफ ऑल लेबर लॉस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को वायलेटेड मान ले ये फंडामेंटल राइट, यू नो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट में है कि आप 3 साल तक इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये आप 3 साल तक ये हक छीनने वाले हैं 1,000 दिनों तक, कि कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा, कोई भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं तो उसके लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते. अच्छा एक बात बताइए, इतने स्टेट का मुद्दा था लेकिन सिर्फ एक ही पिटीशन क्यों फाइल किया गया? इन सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं जाके फाइल किया उन्होंने? वाई ओनली इन सुप्रीम कोर्ट? इतने ढेर सारे स्टेट्स को इन्होंने चपेट में लिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश को इन्होंने अपने चपेट में लिया है, बट वाई ओनली वन पिटीशन फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्या भोपाल हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, गुजरात नहीं जाना चाहिए था इनको? तो इन्होंने स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं अपील किया, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील किया? Why they filed a petition only in the Supreme Court? Why not in other courts? State courts क्यों नहीं गए? High courts?
गाइस गिव मी द आंसर. वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, जल्दी से मुझे बताइए ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने. व्हाई ओनली सुप्रीम कोर्ट, व्हाई सिंगल पिटीशन वाज फाइल्ड. इसका आंसर क्या होगा आपको, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सेंटर. ओके, मोर आंसर्स. प्रीति परमार सेज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सेंटर. नहीं, ये सेंटर से रिलेटेड नहीं है, ये स्टेट से रिलेटेड है, लेबर लॉज. और अगर सेंटर से रिलेटेड होता तो सेंटर को सिर्फ यूनियन लिस्ट में चेंज करने का जरूरत था और स्टेट को मानना पड़ता. सो लेबर लॉज आर नॉट इन यूनियन लिस्ट, दे आर इन स्टेट लिस्ट. और तभी तो स्टेट्स ने इतना ढेर सारा लेजिस्लेशन अपने अपने स्टेट में, अपने अपने इंटर स्टेट सब्जेक्ट. ओके, सेंटर पावर फॉर इट इज फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. नो, आप मेरा आंसर नहीं समझ पाए. मेरे कहने का मतलब यह है, लेबर लॉस तो इन सारे स्टेट्स ने चेंज किया था, तो इन स्टेट्स के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक पिटीशन में एक पिटीशन क्यों फाइल किया गया है. यस विवेक दुबे, कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट. यस विवेक दुबे से इट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट. यस एब्सोल्युटली, थैंक यू. लेट मी कंफर्म, सुप्रीम कोर्ट राइट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर. एब्सोल्युटली, प्रीति परमार ने सही आंसर दिया है. बिकॉज इंटायर इंडिया के इंटायर जुडिशियल सिस्टम में अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है. स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्टेट हाई कोर्ट्स किसी अलग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते. इन द इंटायर जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एक यूनिफाइड कमांड है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है. सो इफ सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन फाइल करता है, एक पिटीशन एंटरटेन करता है और उसके जो डिसीजन आते हैं वो सारे स्टेट्स को मानने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम. सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का, हर किसी तरीके के लेजिस्लेशन का फाइनल इंटरप्रेटर है. सो इसीलिए अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाने के बजाय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट लेबर लॉ चेंजेस. क्लियर है? अब लेबर लॉज में फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा आर्टिकल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. बी स्पेसिफिक, जीरो हंगर, पॉवर्टी मत जोड़ दीजिएगा, सैनिटेशन मत जोड़ दीजिएगा, वो बाय प्रोडक्ट है. इस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल इसमें ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा आप ये भी मुझे बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन सा आर्टिकल इसमें ऐड होने जा रहा है. आशीष सुसावत, आप कहते हैं इट वॉयलेट्स आर्टिकल 19.1. विश्वदीप विश्व सत्य मिश्रा, बिकॉज ऑफ पीयूडीसी. व्हाट इज दैट पीयूडीसी मिश्रा? बिकॉज ऑफ पीयूडीसी. व्हाट इज दैट पीयूडीसी? विवेक दुबे, अच्छा, यू आर टेकिंग द नेम ऑफ दैट दैट पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. वो तो ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको इसलिए एंटरटेन किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया में है उसके एपेक्स पे बैठता है. सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स अथॉरिटी एट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. सो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लेजिस्लेशन का, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है. सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है, इसीलिए अलग अलग हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल करने के बजाय सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है इन सारे स्टेट लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में. ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऐड कर दीजिए 8, 9, 10 एंड 12. थैंक यू सो मच. किसने लिखा? प्रीति परमार, शुक्रिया. श्रद्धा गुप्ता आर्टिकल 21 लिखती हैं, विवेक दुबे आर्टिकल 23 लिखते हैं. मनिक सदोत्रा, थैंक यू सो मच, आपको पहली बार अपने क्लास में देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. जैनब खान लिखते हैं लेबर राइट्स फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, 16, 17. जैनब 12, 16, फंडामेंटल राइट में आपने सब कुछ ऐड कर दिया है 12 to 35. मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि ये लेबर लॉज अगर चेंज होते हैं तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हिट होंगे. आशीष सुदत, मे बी थ्रू स्पेशल लीव पिटिशन. ओके यस. नेहा मिश्रा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक गारंटी आर्टिकल 123.
नेहा मिश्रा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आंसर है आपका। पवन इनामदार 8, 9, 10, 12, 16, 17 सब जोड़ दिया इसमें, बट मैंने स्पेसिफिक होने के लिए बोला था। सो आई विल से प्रीति परमार आपका आंसर अच्छा है, उसके बाद से नेहा मिश्रा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छे से इसको दिखाया है। आगे चलते हैं, ये पिटीशन फाइल हो चुका है, अब देखते हैं। सिंस द कोड ऑफ वेजेस इज सस्पेंडेड एंड द पेमेंट वेजेस एक्ट इज रिपील्ड, देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फॉर द फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट टू गिव टाइमली वेजेस फॉर देयर एम्प्लॉइज। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है? तो अब ये यहाँ पे ये पिटीशन ये कहता है कि सिंस इन सारे लेजिस्लेशन से कोड ऑफ वेजेस को चेंज सस्पेंड कर दिया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस को हटा दिया गया, जिसके चलते इन फैक्ट्रीज पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है इन मजदूरों को टाइमली पेमेंट देने की। देयरफॉर द ऑर्डिनेंस हैज एसेंशियली लेड टू अबोलिशन ऑफ मिनिमम वेज फॉर लेबरर्स इन दीज एस्टैब्लिशमेंट। इम्पल्स द इम्पल्स लॉज by suspending welfare and health measures of the worker by increasing the work hours constitute forced labor as widely defined by the Supreme Court, it stated. So, इस तरीके से ये बताता है कि जिस तरीके से सेंटर ने चेंज किए गए हैं, सेंटर ने कोड ऑफ वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस को रिपील कर दिया गया है, जिसके चलते अब सेंटर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है इन सारी चीजों को देखने की। एक मजदूर मरे कटे कुछ भी हो जाए, अब सेंटर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि कोड ऑफ वेजेस जो है और पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वो रिपील कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है। और उसके अलावा क्या हुआ है, मिनिमम वेजेस का जो क्राइटेरिया था उसको भी सस्पेंड कर दिया है, जिसके चलते क्या हो रहा है, ये एक बेगारी की तरह दिखने लगा है, एक फोर्स लेबर की तरह दिखने लगा है एज पर द डेफिनेशन डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो इसके लिए माई बाप सरकार सुप्रीम कोर्ट, सिंस यू आर द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द वन हु कैन चेक, हु कैन कंट्रोल द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। सो प्लीज इस घटना, इस पिटीशन को आप एक्सेप्ट करें और इस बारे में अपनी राय दें। और अगर ये जो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, अगर ये मैलाफाइड हैं और वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट के, तो इसको अल्ट्रा वायर्स, मतलब इसको अनैतिक करार दिया जाए। ये चीज है डीपीएसपी नीलम कमलवंशी। सो गाइज, ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट से एक आर्टिकल, हो गया एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमने देखा, नीचे हमने कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं, रिफॉर्म और फेस क्रिटिसिज्म, एक बार और देखता हूं मैं। सो विल गो दिस आर्टिकल, रिफॉर्म और फेस फंड कट्स, ट्रंप टेल्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो ट्रंप साहब हैं, ये हमेशा किसी ना किसी दिक्कत में आते रहते हैं, कोई ना कोई इनकी हरकतें जो हैं इनको परेशानी में लेके आती हैं। इस बार इन्होंने, ट्रंप ने धमकी दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से काम करने की, और जो भी वर्ल्ड में अनकंट्रोल्ड केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के, उसका सारा ठिकड़ा, उसकी सारी जिम्मेदारी, उसका सारा ब्लेम जो है ट्रंप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, और धमकी भी देते हैं कि अगर ठीक से काम नहीं दिया तो फंड जो हम देते हैं, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो फंड देता है उसको कट कर दिया जाएगा। रिफॉर्म और फेस फंड्स कट, ट्रंप टेल्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। US President threatens to leave organization if it fails to demonstrate independence from China. So, आगे चल के देखते हैं, continental drift को देख लीजिए। continental drift की जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरी होती है आपके ज्योग्राफी में। Now, इस आर्टिकल को देखिएगा, the COVID-19 outbreak has shifted regions since January. एक इसको मैं दूसरे पे दिखाता हूँ। Give me one moment, let me increase the image size. Okay, एक बार देख लेते हैं, continental drift जो है वो आपके geography का principle है, but यहाँ पे हम देखते हैं, COVID-19 outbreak has shifted regions since January.
कोविड 19 ने जो रीजन है इनके एपिडेमिक में शिफ्टेड रीजन सिंस जनवरी. द ग्राफ वेयर रीजन्स आर डिफरेंशिएटेड बाय कलर बैंड शोज द नंबर ऑफ न्यू कोविड 19 केसेस. तो एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका में जो बैंड दिख रहा है, लैटिन अमेरिका में ये जो कलर कोडिंग है ये दिखा रहा है कि कितना इन एरिया में पैंडेमिक फैला हुआ है. ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका में है, ये पूरा एरिया नॉर्थ अमेरिका का आ रहा है. लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में इतना है. देन यू हैव सदर्न यूरोप में ये केसेस इतने फैले हुए हैं, राइट. वेस्टर्न यूरोप में इतने केसेस हैं, ईस्टर्न यूरोप में सबसे कम है, वेस्ट एशिया में एंड नॉर्दर्न यूरोप में. सो ये जो है ये केसेस दिखा रहे हैं पैंडेमिक से रिलेटेड. आगे चलते हैं. एज द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मेट वर्चुअली टू डिस्कस द कोविड 19 पैंडेमिक, US President Donald Trump told the World Health Organization that US will make permanent its funding cuts to organization and consider leaving it if it did not commit the major substantial reform within the next 30 days. अब यहाँ पे जब World Health Organization के ऊपर इतनी बड़ी responsibility है और उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने commendable work किया है जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला है वॉर लेवल पे, दैट इज अप्रिशिएबल, कमेंडेबल. बट डोनाल्ड ट्रंप इज थ्रेटनिंग कि आपको सब्सटेंशियल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अपने गवर्नेंस में, अदरवाइज जो फंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है वो कट हो जाएगा. इफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कमिट टू मेजर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, इट विल मेक माई टेम्पररी फ्रीज US फंडिंग टू द WHO परमानेंट एंड रिकंसिडर आवर मेंबरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन. ट्रंप रोट अ 4-पेज लेटर WHO डायरेक्टर टेड्रोस एडनॉन, पता नहीं इनका क्या नाम है, टेड्रोस याद रखिए. इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, दैट वी आर गोइंग टू कट योर फंड्स एंड इफ यू डू नॉट ब्रिंग अबाउट सब्सटेंशियल चेंज वी आर गोइंग टू लीव आर मेंबरशिप टू WHO. ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि अगर US ने WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रिसोर्स कॉन्स्टेंट चल रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी रिसोर्स बहुत कम है, फंडिंग बहुत कम है और ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी मार झेल रही है. Trump had temporarily stopped the funding last month and begun a review of WHO's handling of the epidemic, which the president and others in his administration have repeatedly criticized, particularly to the global health body's relationship to China. Critics have argued that while the WHO could have acted more decisively and quickly, Mr. Trump's allegation against the organization were often his way of deflecting the criticism of his own handling of pandemic. एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप हैं दुनिया को ये बताने में लगे हैं और WHO को ये बताने में लगे हुए दैट व्हाट इज देयर जॉब ऑल अबाउट एंड व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, और हमेशा WHO को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चाइना को, ये मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटायर एपिडेमिक, दे आर द वन हु आर द कल्प्रिट. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपथेटिक बिहेवियर जो है चाइना के साथ वो बहुत डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगता है. तो इस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उन्होंने ब्लेम लगाया है, बट दुनिया ये बात मानती है और क्रिटिक्स इस बात को मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं. सबसे ज़्यादा सुसाइड फैटलिटी रेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अपने सोशल सेफ्टी नेट को और मेडिकल बिल को जो है बहुत अच्छा, वर्ल्ड में बेस्ट बताया, बट इस कोरोना वायरस ने, कोरोना एपिडेमिक ने इनके मेडिकल सेफ्टी नेट की, सिक्योरिटी, सोशल सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं. सो डोनाल्ड ट्रंप उन सारे कमेंट्स को, क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं उनके क्रिटिक्स. आगे चल के देखते हैं. ट्रंप्स लेटर लार्जली कंसिस्टेड ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एट द WHO's हैंडलिंग ऑफ एपिडेमिक. इट ऑल्सो कंपेयर्ड मिस्टर टेड्रोस हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन विद फॉर्मर WHO चीफ गो हार्लेम ब्रंटलैंड्स handling of SARS in 2003. Many lives could have been saved have you followed Dr. Brundtland's example. It is clear the repeated missteps by you and your organization in responding to pandemic have been extremely costly to the world. Trump said only way forward for the WHO could be demonstrate independence from China. So Trump ne is tarike se blame kiya, unka comparison kiya hai Gro Harlem Brundtland jo ki World Health Organization ke pehle chief hua karte the jinke शासनकाल में SARS एपिडेमिक फैला था. तो उन्होंने ब्लेम किया मिस्टर टेड्रोस करंट WHO एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को कि आपने भी वही गलती दोहराई है जो ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने SARS के समय में किया था 2013 में, और आपके रिपीटेड मिसस्टेप्स के चलते वर्ल्ड को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है. सो नाउ अब दूसरा एक और धमाका आ गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है. व्हाट दिस मेडिसिन इज यूज्ड फॉर, this medicine is used for which particular disease, hydrochloroquine.
यस नेहा शर्मा, वर्किंग आवर्स इज वन कंसर्न. वर्किंग आवर्स जो पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो वर्किंग आवर्स के रेजोल्यूशन को भी दिखाएगा. दैट विल ऑल्सो शो, दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट, और जो आई मीन दिस पिटीशन जो है वो वर्किंग आवर्स से रिलेटेड मैटर को भी हैंडल करेगा. एक ही पिटीशन में सारा मामला निपट जाएगा. मलेरिया, मलेरिया, परफेक्ट. नेहा मिश्रा, श्रद्धा गुप्ता. आगे चल के देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या धमाका किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये बताया कि वो हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है कपल ऑफ वीक से ले रहे हैं टू वार्ड ऑफ कोविड 19 एपिडेमिक इन्फेक्शन. डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है और हमेशा अपने किसी ना किसी स्टेटमेंट के चलते विवादों में घिरे रहते हैं, उन्होंने ये बताया मीडिया को कि वो पिछले कुछ दिनों से हाइड्रोक्लोरोक्वीन ले रहे हैं अपने आप को कोविड से बचाने के लिए. जो ये जो मेडिसिन है वो जनरली ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, रेमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस हैज नॉट बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन कोविड 19 प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. ये जो ड्रग है ट्रेडिशनली मलेरिया में, जोड़ों के दर्द में और लिपस से, लेप्रसी से रिलेटेड चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कोविड 19 के लिए इफेक्टिव होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी तक डिटेल एनालिसिस नहीं है, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है. ड्रग कैन समटाइम्स हैव सीवियर साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग एरेमिटिया, एरेथीमिया विच कैन बी फेटल. और एरेथीमिया जो है ये हो सकता है इसके चलते, और ये फेटल हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, सुसाइडल नहीं फेटल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है. तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि अगर आप मलेरिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये, तो इसके लिए तो ये दवा अच्छी है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, लेकिन अगर आप इन बीमारियों से सफ़र नहीं कर रहे हैं और आप इसको लेते हैं देन यू मे हैव अ प्रॉब्लम. अब हाइड्रोक्लोरोक्वीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसका एड कौन सा एक्टर करता है? एक हमारे बहुत पुराने लिरिसिस्ट हैं, संगीतकार हैं, गाने लिखते हैं, शायर हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड एक ऐड करते हैं. उस मेडिसिन का नाम क्या, उस ब्रांड का नाम क्या है? उस ब्रांड का नाम इसलिए याद करने के लिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें भूलें नहीं. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, मैंने हाइड्रोक्लोरोक्वीन बोल दिया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन. तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन किस में यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन मलेरिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस. So which actor is using, which actor is endorsing a brand related to rheumatoid arthritis? Not something with P, something with J, something with JA. Javed Akhtar, absolutely. Javed, wo dawa kaun si hai? Which is that medicine? Which is that medicine? Which is that medicine? अब आपको करना क्या है, मैंने आपको क्यों बताया प्रीति परमार जूही कहां से आ गई. अब आपको करना क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को यहाँ पे आपको वो डब्बा लगाना है डॉक्टर ऑर्थो प्लस मलेरिया प्लस लुपस. सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है उसको तीन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मलेरिया के लिए, डॉक्टर ऑर्थो यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के लिए, और लिपस के लिए यूज़ किया जाता है, लेप्रोसी के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो गाइस ये याद रहेगा आपको, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे. इज दैट क्लियर, समझ में आ जाएगा सबको, भूलेंगे तो नहीं. I hope you will not forget this. Give me a thumbs up. आगे Donald Trump ये बोलते हैं, you would be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers before you catch it. और आपको ये नहीं पता, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ मैं ही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खा रहा हूँ. नहीं,
बहुत से लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल फील्ड के स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और पुलिस हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं. फ्रंट लाइन वर्कर्स मेनी आर टेकिंग इट. इट हैपन टू बी टेकिंग इट. मिस्टर ट्रंप टोल्ड जर्नलिस्ट ड्यूरिंग अ मीटिंग. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन व्हेन नाउ, रिपोर्टर आस्क्ड. डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस ऑफिशियल्स, मेडिकल सुपरवाइजर्स, कैब ड्राइवर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में आएंगे, जिन जो पीछे नर्सेस की बात कर लीजिए, ये सब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यूज कर रहे हैं. रिपोर्टर्स ने पूछा क्यों, कब, कैसे. अ कपल ऑफ वीक अगो आई स्टार्टेड टेकिंग इट बिकॉज आई थिंक इट्स गुड, ही सेड. कुछ सप्ताह पहले उन्होंने इसे यूज करना शुरू किया क्योंकि उन्हें बिकॉज उन्हें लगता है कि ये फायदेमंद चीज़ है और ये किसी भी तरीके से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है. 40 सालों से मलेरिया, लिपस और अदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है एंड मैं इसको लेता हूं. उसके अलावा ही होप टू सून नॉट टू बी टेकिंग इट बिकॉज अदर सोल्यूशन वुड बी अवेलेबल. और इनका ये कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता, जब तक इस COVID-19 से लड़ने की दवा नहीं बन जाती, तब तक वो इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेते रहेंगे. ही डिड नॉट ओन अ कंपनी दैट प्रोड्यूस SCQ एंड वांटेड अमेरिका टू फील गुड एंड दैट द ड्रग हैज एन इंपैक्ट स्पेशली अर्ली ऑन. ही ऑल्सो कन्फर्म दैट ही इज ऑल्सो टेकिंग अ जिंक सप्लीमेंट, हैड टेकन अ सिंगल डोज इनिशियली ऑफ एजिथ्रोमाइसिन एंड एंटीबायोटिक. ऑल आई कैन से आई सीम टू बी ओके. अब कहने का मतलब यह है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह कहा है कि जब तक मलेरिया की दवा, जब तक आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको लेता रहूंगा. इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट. मैं जिंक सप्लीमेंट भी लेता हूं और सिंगल डोज लेता हूं, जिसके चलते आई एम फीलिंग बेटर और दैट्स इट. फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि इट्स ऑल्सो यूज अ वार्निंग अबाउट HCQ लास्ट मंथ, सेइंग इट शुड नॉट बी टेकन आउटसाइड अ हॉस्पिटल सेटिंग और क्लिनिकल ट्रायल ड्यू टू हार्ट रिदम प्रॉब्लम. द एडवाइजरी डिड नॉट पर्टेन टू FDA अप्रूव्ड यूज ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, लिपस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मिस्टर ट्रंप हैड टेस्टेड नेगेटिव फॉर सेवरल टाइम्स एंड ही इज इन अ गुड हेल्थ. इंडिया मेजर प्रोड्यूसर ऑफ HCQ हैड सेंट अ शिपमेंट ऑफ ड्रग टू द US डेज आफ्टर मिस्टर ट्रंप हैड आस्क्ड इंडिया टू लिफ्ट अ बैन ऑन द ड्रग्स एक्सपोर्ट. सो इंडिया को मिस्टर ट्रंप ने अपना जो बैन लगाया था, इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को, उसका बैन हटा दिया गया है. और इंडिया जो एक मेजर प्रोड्यूसर माना जाता है HCQs, क्योंकि अगर मलेरिया के केसेस देखेंगे तो इंडिया में है भी बहुत ज़्यादा. उसके अलावा US फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि ये हॉस्पिटल सेटिंग और बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के बिना आप इस दवा को मत लें, हो सकता है आपका हार्ट बीट अनकंट्रोल हो जाए. लेकिन ट्रंप तो ठहरे, ट्रंप वो मानने वालों में से है नहीं. ही विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले लिया है, जिसका यूज मलेरिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड लुपस में यूज़ किया जाता है. आपको ये याद रखना है, बिहाइंड द न्यू इंसिडेंट्स, इसमें नया कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. दैट इज़ रिलेटेड टू चाइनीज, जो हमारे डोकलाम प्लेटू के आसपास, नहीं डोकलाम नहीं, लद्दाख में पेगोंग त्सो लेक के पास अवेलेबल है, उनके लिए है. सो उसके अलावा ये माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर आर्टिकल है. आपको फिर से एक वर्ल्ड वाइड टूर करा देता हूँ, आपको क्या क्या रिवाइज करना है. पहले आप पेगोंग त्सो लेक वाला जो मैंने आर्टिकल कवर किया है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, मैपिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज़ है आपका ऑलिव रिलेटेड टर्टल्स, ये फ्रेश वाटर टर्टल्स नहीं है, दे आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड. आपको चिल्का लेक का स्टेटस याद करना होगा, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द चिल्का लेक स्टेटस. उसके अलावा राइजिंग, आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन चेंज हुआ है उसको याद रखना होगा. आपको याद रखना होगा इसका डेफिनेशन क्यों चेंज किया गया है, क्या क्राइटेरिया है, और तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे. आगे चलेंगे, ऑन द ग्राउंड डायनेमिक की बात करेंगे. COVID-19 ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑन अ विजिल, अ फाइल फोटो ऑफ एन आर्मी पेट्रोल इन सब सेक्टर नॉर्थ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल विद चाइना. ये आपका पेगोंग त्सो लेक के आसपास का एरिया है. ये आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ऐड हो गया. आगे चलते हैं, रिफॉर्म और फेस फंड कट्स, ट्रंप टेल्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये है ओके गुड. लॉकडाउन इंपैक्ट आप देख लीजिएगा, लॉकडाउन का ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये यहां समझने की जरूरत है.
उसके अलावा आप ये समझने की जरूरत करेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पे इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये एम्फन रेन्स ऑन डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, इतना जैम पैक्ड है और इतने लाखों लाख लोग अगर इवैक्यूएट करने हो तो। ये मैंने ब्लैंक पेजेस ऐड किए थे, यू नो लॉकडाउन टू हेल्प साइक्लोन रिलीफ वर्क। सो इस लॉकडाउन को आप इन्वायरमेंटल चेंजेस से ऐड करके देखेंगे, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है आपके। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में लेबर लॉस चेंजेस के हिसाब से पिटिशन फाइल किया गया है। अर्णब गोस्वामी का केस पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(2). कल को जो है धवल पटेल वाला जो केस है, धवल पटेल वाला जो केस है उसको आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 19(1) फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा इंडिया यूएस टू कोलैबोरेट ऑन वैक्सीन ट्रायल्स, ए सिंपल गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अ कैलस माइग्रेंट वर्कर्स अ बैकबोन ऑफ इंडियाज इकॉनमी हैव बीन लेफ्ट इन लर्च सिंस द लॉकडाउन बिगन। इस आर्टिकल को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट इफ यू विश यू कैन रीड इट, सारा कुछ यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। यहाँ पे आपका एक आर्टिकल है, यहाँ पे पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपेट्रेटर्स एंड विक्टिम। एक चीज आपको रिकॉल कराना चाहूंगा मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो अबंडेंट है एनवायरमेंट में, सो व्हाट अबाउट साल फॉरेस्ट टर्टल्स? साल फॉरेस्ट टर्टल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? साल फॉरेस्ट टर्टल्स मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपको द हिंदू न्यूज एनालिसिस में पढ़ाया था, साल फॉरेस्ट टर्टल्स। मैंने साल फॉरेस्ट टर्टल्स आपको कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द साल फॉरेस्ट टर्टल? ये पानी में नहीं रहता, ये एम्फीबियन की तरह है। साल फॉरेस्ट टर्टल ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये साल फॉरेस्ट टर्टल्स। तो आपको इस ऑलिव रिडले टर्टल्स के साथ साल फॉरेस्ट टर्टल्स, इनके चैलेंजेस और हैबिटेट रेंज के बारे में पढ़ना होगा। इज दैट क्लियर गाइज? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। आगे फिर से चलते हैं, आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि आज हमारा जो है ये सक्सेस इज बिल्ट अपॉन फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर, ये देख लीजिएगा। 3 एनर्जेटिक बैचेस जो हैं आपके लिए आने जा रहे हैं, मिशन यूपीएससी 2021, मिशन यूपीएससी 2021 है, लक्ष्य यूपीएससी 2021 है, हिंदी बैच है, फिर एक्सपेडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 इंग्लिश जीएच बैच कोर्स जो है आपके लिए आने जा रहा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मेरे से बात कर ले। मिशन यूपीएससी स्टार्टिंग बैच 18 मई से शुरू हो चुका है, आप 20 तारीख को हैं, बट ऑल आर रिकॉर्डेड सेशन, फुल सिलेबस कवरेज है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है विद एनालिसिस है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, इंटरव्यू प्रेपरेशन है। इसमें भी ये पूरा हिंदी का कोर्स है, ये बाईलिंगुअल है, और ये है आपका फुल ऑटोमेटिक फुल्ली जो है इंग्लिश कोर्स है। उसके अलावा आपको सजेस्ट ये करूंगा, अगर आपको 1 ईयर का ही कोर्स लेना है, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 2 ईयर्स कोर्स, क्योंकि 1 ईयर में 43,200 के लगेगा, जबकि 2 ईयर्स की वैलिडिटी आपको सिर्फ कुछ हजार रुपए और देने पे मिल जाएगा, राइट? उसके अलावा 112 प्लस टॉप एजुकेटर्स हैं, राइट? दे आर देयर टू हेल्प यू, 10% एक्स्ट्रा कंसेशन आपको मिल जाएगा UPSCYT अगर आप यूज करेंगे। उसके अलावा आप मेरा यूजर रेफरल कोड यूज करेंगे मेरे ग्रुप में, आप नवशीन मलिक, इसमें किन किन लोगों को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरीज हैं प्लीज डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लिख के ड्रॉप कीजिए मैसेज, आई विल गेट बैक टू यू। किन किन लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में इंक्वायरी है वो मुझे मेंशन मैसेज कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू आपके डाउट क्लियर करने के लिए। नवशीन मलिक आपने मेंशन किया था दैट यू नीड क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और जो नए बच्चे हैं जिनको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है प्लीज मुझे मैसेज करें कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मैसेज की कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। और उसके अलावा मैं अपना कम्युनिकेशन चैनल टाइप कर देता हूं,
एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको अपना कम्युनिकेशन चैनल टाइप करके देता हूँ, t.me शशांक अकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। ओके, ये मैंने अपना टेलीग्राम नेटवर्क जो है वो इसमें मेंशन कर दिया है। पवन नामदार ने मेंशन किया है, आई विल गेट बैक टू यू। विश्व सत्य मिश्रा, नवशीन मलिक, नेहा मिश्रा, ओके। इसके अलावा अभी नवशीन मलिक हमारे ग्रुप में थी, शी ऑल्सो मैंशनड। नेहा मिश्रा, आप अपने इस विश्वजीत सर, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज सो आई हैव सम डाउट्स, डेफिनेटली विश्वजीत आपने इसमें मैंने आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है। जैनब खान, नीलम कमलवंशी, इसमें टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दीजिए एक बार कॉमेंट सेक्शन में। नीलम कमलवंशी, एक बार टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दी, मैंने कर दिया है वैसे। सो नेहा मिश्रा, पवन इनामदार, विश्वजीत, विश्व सत्य मिश्रा और उसके अलावा नवशीन मलिक, इन चारों लोगों से मैं पर्सनली आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, रेस्ट अश्योर्ड अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ये एजुकेटर शशांक रॉय हमेशा आपके साथ खड़ा है, राइट। आई मे बी ए पार्ट ऑफ प्लस कोर्सेस, राइट, तो इसमें मेरा लगा रहेगा, बट मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहूंगा। वी आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ यूट्यूब करंट अफेयर्स चैनल जो आपके सामने है। हिस्ट्री का सेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और आई एम श्योर कि वो हिस्ट्री के सेशन को अटेंड करने के बाद आप किसी भी सेशन पे जाएंगे तो आपका रिविजन हो रहा होगा। उसके अलावा पॉलिटी का सेशन रात में चल ही रहा है, तो जब तक आप सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट लेंगे तब तक मैं आपका कंप्लीट करा चुका रहूंगा। बट आई विल से डू नॉट डिले इट, बिकॉज ये लॉकडाउन इतनी जल्दी मुकम्मल हटने वाला नहीं है पूरी तरीके से, एंड यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात देखें, सो यू हैव इनफ 112 प्लस एजुकेटर हैं, जिसमें राकेश वर्मा सर हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुके हैं, क्लास वन ऑफिसर, मृणाल सर आज से नहीं कम से कम 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, आतिश माथुर का बहुत बड़ा नाम है इन सर का, यू नो बहुत से बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए रहे हैं, और आपके एजुकेटर का भी बहुत लंबा चौड़ा नाम है। सो डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ओके। सो आई विल गेट बैक टू यू विश्वजीत, आई नीड विश्व सत्य मिश्रा, आई विल गेट बैक टू यू। नेहा मिश्रा, नेहा, आई विल गेट बैक टू यू। पवन इनामदार, आई विल गेट बैक टू यू। एनी अदर पर्सन, नवशीन मलिक, अगर आप मुझे सुन रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टुडे हिस्ट्री सेशन नहीं है आपका, 1 बजे कोई हिस्ट्री सेशन नहीं है, आज का कोई हिस्ट्री सेशन नहीं है, क्योंकि कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको पूरी करनी है, तो आप हिस्ट्री में आप ब्रेक लेंगे, बट वी हैव पॉलिटी सेशन, नो हिस्ट्री सेशन टुडे, आज कोई हिस्ट्री सेशन नहीं है, पॉलिटी विल बी एट 9 PM। आज 9 PM पे पॉलिटी सेशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हम ओके, यस रोशनी खान, यू टेकन, आज हिस्ट्री सेशन नहीं है, पॉलिटी सेशन 9 बजे है। सो मैं जो बाकी लोग हैं सब्सक्रिप्शन के लिए जिन्होंने इनमें मेंशन किया है, आई विल गेट बैक टू देम ऑन अ पर्सनल लेवल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे से कम्युनिकेट कीजिए, काइंडली कम्युनिकेट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, गेट बैक टू मी, और अदरवाइज मैं आपसे कैसे मिलूंगा, ठीक है। सो पवन, मैं आपसे बात करता हूँ, विश्वजीत, विश्व सत्य मिश्रा, उन आपसे बात करता हूँ, देन नेहा इज देयर, नेहा, यस नेहा मिश्रा, आई विल गेट बैक टू यू। और उसके अलावा यस, जितने भी लोग हैं, नवशीन मलिक से मुझे बात करनी है, आई गेट बैक टू ऑल ऑफ द पीपल। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व करूंगा, और आप चिंता मत कीजिएगा, इस पूरे प्लेटफॉर्म के अलावा आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर रहेगा कि आप UPSC की प्रिपरेशन चलते फिरते करेंगे। आई कैन बेट, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू। थैंक यू सो मच, वी विल गेट बैक टू यू, और फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।